हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2018 में जितने भी टाइम एंड वर्क और पाइप एवं टंकी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, खास करके जो भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, ज़्यादातर मैंने उन्हीं क्वेश्चन को लिया है। ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन को मैंने नहीं लिया है, इजी क्वेश्चन भी इनमें हैं, क्योंकि अगर सारे हार्ड क्वेश्चन एक ही बार कराए जाएँ तो देखने वाले स्टूडेंट को लगेगा कि भाई सारे क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं, ऐसा है वैसा है, तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने इजी क्वेश्चन को भी शामिल किया है। वैसे कहने के लिए वो हार्ड है नहीं, ठीक है, ये हो सकता है कि टाइम ज़्यादा ले सकता है अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं कर रखा है ऐसे क्वेश्चन के। तो डायरेक्टली अगर आपको ये पेपर में मिलेंगे एग्जाम हॉल के अंदर, तो आपको ये हार्ड या फिर कैलकुलेटिव लग सकता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप पहले से इन क्वेश्चन को जरूर से प्रैक्टिस करके जाएं। और इसका पार्ट वन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसमें 25 क्वेश्चन के अराउंड मैंने कवर किया है क्वेश्चन, तो आप उसे ज़रूर देखिए। उसमें बहुत सारे मैंने अलग अलग विधि और अलग अलग तरीके के सवालों को डिस्कस किया है जो रेलवे ग्रुप डी में आए हुए हैं। और वैसे ये लाइन बाई लाइन ही है, अगर आपके पास PDF होगी रेलवे ग्रुप डी वाली प्रीवियस ईयर की, तो आप देखें कि सारे क्वेश्चन अबाउट मतलब लगभग लाइन बाई लाइन ही हैं। और मैंने भी खुद PDF प्रोवाइड करा रखा है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो कैसा लगा आपको मेरा ये कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा। जो लोग देखते हैं कम से कम कमेंट और लाइक किया करो तुम लोग, और कुछ नहीं कर पाओगे तो, और साथ ही साथ प्रैक्टिस किया करो क्वेश्चन की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्त। देखें दोस्त, यहाँ पर अपने पास सवाल है कि ABC जो हैं, एक सेकेंड, ABC एक हॉल से यानी कि टंकी से जुड़े हैं, इसमें से पहले दो जो हैं वो भरने वाले हैं, और पहला पाइप 6.6 आवर्स में भर सकता है, दूसरा 16.5 घंटे में भर सकता है, तीसरा एक पाइप है जो भरने के बाद 9.9 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि ये खाली करने वाला है। अब ये कह रहा है कि अगर टंकी पहले से 3/5 भाग भरी हुई हो, और इतना भर जाने के बाद सभी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, तो हॉल को भरने में कितना समय लगेगा। कुल मिला के बात क्या है, मैं आपको वापस समझा देता हूँ, आप आराम से समझ लो। एक टंकी के साथ तीन पाइप लगे हुए हैं, जिसमें से शुरू वाला दोनों भरने वाला है, और वो 6.6 तथा 16.5 घंटे में अलग अलग भर सकते हैं। तीसरा पाइप जो है वो खाली करने वाला है, वो 9.9 घंटे में खाली कर सकता है। और आपसे ये कहा गया है कि टंकी अगर पहले से 3/5 भाग भरी हुई हो, तो जो भाग शेष रह गया है टंकी का, उसको भरने के लिए तीनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो समय कितना लगेगा। यूजी है वैसे सवाल, देखें क्या करना है आपको। ABC पहले आप लिखिए, इनका टाइमिंग का रेशियो कितना है सी, ठीक है, आप डायरेक्ट टाइमिंग ही लिख लो। जैसे पहला है 6.6 आवर्स, दूसरा है 16.5, और तीसरा है अपने पास, तीसरा कितना था 9.9, ठीक है। अब इनका रेशियो इक्वल करने के लिए आप नीचे एफिशिएंसी का रेशियो लिखोगे। कैसे लिखते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट रेशियो लिख रहा हूँ। यहाँ पर टोटल आपका 7.5 आएगा, और यहाँ पर आएगा अपने पास 3, और ये आएगा 5, ठीक है। ये आप गुणा करेंगे तो बराबर आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा गुणा करके देख लो, 9 × 5 = 45, और फिर 9 × 5 = 45 और 4 = 49, यानी कि टोटल वर्क आ गया 49.5, 49.5 यूनिट का टोटल काम है। अब इसमें से ये कह रहा है, अब ये नीचे वाला कैसे आया ये मैंने पहली वीडियो में अपने बता रखा है, या फिर अगर आप SSC वाला टाइम एंड वर्क का वीडियो देखोगे उसमें भी बता रखा है। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइए, इसका पार्ट 3 जब आएगा तो उसमें मैं आपको ये सवाल वापस क्लियर कर दूंगा। देखें दोस्त, यहाँ पे क्या हुआ कि मैं बोला था कि किसी भी इस दो को गुना कर लीजिए, ए के सामने वाले को गुना कर लीजिए, या फिर इस बी के सामने वाले को, या सी के सामने वाले को, अगर आप किसी के भी सामने वाले के दोनों को गुना कीजिएगा तो टोटल आपको वर्क निकलेगा, तो कि टोटल कितना यूनिट काम करना है। तो मैंने शुरू सी वाला गुना कर लिया, तो सी वाला गुना करने पर आप देख रहे हैं कि 49.5 यूनिट आ गया है, यानी कि इतना टोटल काम है। लेकिन सवाल में आपसे ये बोला गया है कि टोटल काम नहीं कराना है, 3/5 भाग काम पहले से हो चुका है, यानी कि 3/5 जो है टंकी का पार्ट पहले से भरा हुआ है। आप बताइए कि 3/5 भरा हुआ है, 3/5 इसका मतलब क्या है कि 5 में से 3 हिस्सा भर गया है, अब 2 हिस्सा भरना रह गया है, ठीक है। तो अब हम काम निकालेंगे कि काम कितना करना रह गया है, तो आप बोलेंगे कि 3/5 हो गया है, यानी कि 2/5 काम बचा हुआ है, तो 2/5 काम कितना हुआ आप कटा कर निकाल लो। 5 से इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा, 5 × 45 और फिर 5 × 45, यानी कि अब काम करना रह गया है आपको। आप चाहो तो इसको गुना भी कर सकते हो, ये 19.8 आ जाएगा, 99 × 198 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 19.8, यानी कि इतना यूनिट का काम और क्या करना रह गया है। अब इतना यूनिट का काम करने के लिए इन तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो आप बता दो टाइमिंग क्या लगेगी। तो हम यहाँ पर टाइम बराबर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, और इसके लिए मैंने बता भी रखा है कि आप डायरेक्ट से ये लिख लो कि कितना काम है, 19.8 का काम बचा है, और ये काम करेंगे कौन, ये तीनों मिल करके। और तीनों में आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सी खाली करने वाला था, तो इसको हम माइनस में लेंगे, यानी कि ओवरऑल काम कितना होगा एक घंटे में, आप बताओ, 7 × 3 = 10,
10.5 होगा काम, लेकिन उसमें से पाँच काम ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये खाली करने वाला है। तो 10.5 में से आप 5 माइनस करोगे तो आपको 5.5 मिल जाएगा, और यहाँ से पॉइंट कट जाएगा। 11 से आप कटा लो, कितना बार में कट जाएगा दोस्त, 11 एक बार में, और 11 8 88, यहाँ पर 8 आएगा, और बाई ये कट जाएगा तो यहाँ पर 5 आएगा। 18/5 का मतलब है 3.6, और 3.6 इस सवाल का सही जवाब है। तो देखिए, आपको समझाते समझाते इतना टाइम लगता है, वरना इतना टाइम इसमें बहुत सारे चीज़ ऐसा है जिसे मैं बिना लिखे हुए भी काम कर सकता हूँ माइंड में, ठीक है। तो आप भी कोशिश कीजिए, इन सवालों को बनाते बनाते इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि इतना लिखने की ज़रूरत ना हो। ये स्क्रीन पे मैंने जितना भी लिखा है, इसमें से ज़्यादातर चीज़ें आपको समझाने के लिए लिखी गई है, वरना इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी। मैं तो यहाँ पर कटाता भी नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लेता। देखिए कैसे, जैसे कि मैं डायरेक्ट ये बात कहता है कि इतना दो बार मैं क्यों लिखूँगा दोस्त, जब मुझे पता है। आप एक बार वेट करो थोड़ा सा मिटने का, यार मिट जाए जल्दी। देखो जैसे मैंने क्या बताया आपको कि टोटल जो वर्क है वो इतना है 49.5। अब इसमें से 3/5 काम हो चुका है, और जो रह गया है वो 5 में से 3 हो चुका, तो 2 काम रह गया है। तो मैं ये बोलता डायरेक्ट यहाँ पर टाइमिंग लिख लेता अपना कि टाइमिंग कितना होगा भाई, तो ये डायरेक्ट लिखता कि वर्क कितना है, तो आप बोलेंगे 49.5, इतना काम था, लेकिन इसमें से खाली रह गया है करने के लिए 2/5 हिस्सा। और ये कराना किससे है, इन तीन लोगों से कराना है, जिसमें से इन दोनों को जोड़ेंगे और तीसरा वाला घटाएंगे, क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है। तो ये आपको गुना भाग करके आया था 5.5। अब यहाँ से डायरेक्टली हम कटा सकते थे, ये 5 से भी आप चाहते तो कट जाता, ये कितना बार में कट जाएगा दोस्तों, या फिर 11 से कटा लेते आप दोनों को, ये 11 से कट जाएगा, 11 चौक 44 और 11 5 55, 11 से ये कट गया, और ये 11 से कट जाएगा 5 बार में, और फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 9 45, 0.9 नहीं पॉइंट, तो पॉइंट तो कट ही जाएगा ना, 5 9 45, यहाँ 9 आएगा, और 9 2 18/5 एक ही बार आ जाएगा, तो 3.6 हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्टेप इसमें हम लोग छोड़ भी सकते हैं बीच में, बसरते आपको बात क्लियर होना चाहिए और आपको आना चाहिए कि क्या दोस्त इस सवाल में कट गया है थोड़ा सा क्वेश्चन, फिर भी मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या था। वैसे देखिए, सवाल था कि ए और बी दोनों मिलकर के काम को 4 घंटे में कर सकते हैं, यानी कि ए भी मिलकर के काम करेंगे तो 4 घंटे में कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि दोनों अगर अलग अलग करेंगे तो आपको बताना है कि जलाशय को भरने में ए से इतना घंटे अधिक लेता है, यानी कि बी ए से कितना घंटे अधिक लेना है ये आपको बताना है, ठीक है। कि अलग अलग अगर ए बी काम करने लगे तो बी ए से कितना घंटे अधिक समय लेगा। आपको आगे ये दे रखा है कि जबकि अकेला ए जो है वो जलाशय को 6 घंटे में भर सकता है, ये कट गया है आगे, लेकिन ये दिया हुआ है सवाल में कि ए अकेले 6 घंटे में भर सकता है। अब सवाल वापस आप समझ लीजिए, क्योंकि सवाल कटा हुआ है, तो मैं आपको वापस बता देता हूँ। एक जलाशय को यानी कि तालाब को भरने में ए बी दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो 4 घंटे में भर सकते हैं, ए अकेले उसे 6 घंटे में भर सकता है, तो आपको बताना है कि बी ए से कितना घंटे ज़्यादा लेता है अकेले भरने में, ठीक है। यानी कि बी का आपको ओवरऑल निकालना है, तब आप बता पाएंगे कि बी कितना ज़्यादा ले रहा है। तो आप यहाँ से एफिशिएंसी लगा लो डायरेक्ट, ये 4 3 12, ये 6 2 12 बन जाएगा, यानी कि टोटल काम 12 हो गया। और अगर आपको बी से कराना है तो आप ए बी में से ए वाले को घटा दो। देखो, ए बी में से हम ए को घटा देंगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। तो 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त, 12 आ जाएगा, ठीक है। या आप भी समझते हैं कि यहाँ पे अगर हम 12 लिख लें तो भी ये 12 एकम 12 बन जाएगा। देखो, टोटल 12 12 बनाना है सबको, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, इसका मतलब हुआ, या आप डायरेक्ट यहाँ पर 12 को 1 से डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि बी की एफिशिएंसी 1 आ गई है, 12 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 यूनिट आएगा। अब इस ये 12 जो आंसर आ रहा है वो 12 दिन बी लगा रहा है, यानी कि बी टोटल 12 दिन में काम खत्म कर देगा। और आपको ये बताना था कि बी ए से कितना घंटा ज़्यादा ले रहा है। आप बताओ कि ए अगर 6 घंटे में भर सकता है और बी 12 घंटे में भर सकता है, तो कितना घंटा ज़्यादा लिया दोस्त, 6 घंटे ज़्यादा लिया। आगे बढ़ जाते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। देखिए, आगे वाले सवाल में कह रहा है कि एक काम में एक कार्य को 25 दिनों में पूरा करने के लिए 15 पुरुष और 6 महिलाएं या फिर 9 पुरुष और 8 महिलाओं की आवश्यकता पड़ती है। आगे कह रहा है कि काम को 15 दिनों में पूरा करना है और पुरुषों की संख्या 19 है, तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी। इजी सवाल है, कोई बात नहीं है, देखो क्या क्या है, हम लोग लिखना शुरू कर लेते हैं। 15 पुरुष अगर काम करते हैं और साथ में 6 महिलाएँ, तो टाइम लगता है 25 दिन का। और ये कह रहा है कि अगर 9 पुरुष काम करें और साथ में 8 महिलाएँ काम करें तो टाइम लगता है कितने दिन का दोस्त, 15 दिन का। अब आपसे ये पूछ रहा है कि अगर 19 पुरुष काम करें, अच्छा, यहाँ भी 25 ही दिन लगता है ना, शुरू में ये चीज़ दे रखा है, एक मिनट, कि यहाँ पे एक बार सवाल में आइए। देखिए, सवाल में है कि 25 दिनों में पूरा करने के लिए 15 पुरुष या 6 महिलाएँ लगती हैं, या फिर 9 पुरुष और 8 महिलाएँ लगते हैं, यानी कि इसका मतलब कि 25 ही दिन में 9 पुरुष और 8 महिलाएँ भी कितने समय में काम खत्म करेंगे,
25 ही दिन में। और आपसे ये पूछा गया है कि अगर 15 दिन में काम को ख़त्म करना हो और 19 पुरुष हो, यानी कि इधर मैं लिख देता हूँ, देखो 15 दिन में ख़त्म करना है और इसमें 19 पुरुष है तो साथ में महिलाएं कितनी लगेंगी, यानी कि कितनी महिलाएं लगेंगी ये बताना है। तो इसको हम बाद में लिख के सॉल्व कर लेंगे, पहले आप रेशियो निकाल लीजिए यहाँ से। देखो रेशियो कैसे निकालेंगे, 25 से 25 ये कट जाएगा, बाकी आप डायरेक्ट अब 8 यहाँ पर पी को पी की तरफ और एम को एम की तरफ ले जाएंगे तो पी इधर आएगा तो 9 में से जाएगा तो 6 पी इधर बच जाएगा और उधर बच जाएगा 2 एम। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि पी बाई एम कितना आ गया दोस्त, मैं इधर लिख लेता हूँ, पी बाई एम अपने पास कितना आ गया, तो आप बोलोगे 2/6 यानी कि 1/3। ठीक है, यानी कि पी की एफिशिएंसी 1 है और एम की एफिशिएंसी 3 है, यानी कि पुरुष अगर एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा तो महिला एक दिन में कितनी यूनिट काम करेगी, 3 यूनिट। अब ये कह रहा है आपसे कि 15 दिनों में काम ख़त्म कराना है, देखो 15 दिन, और काम करेंगे 19 पुरुष और साथ में कुछ महिलाएं, तो महिलाओं का तो पता नहीं है कितनी महिलाएं हैं ये बताना है। 19 पुरुष है तो 19 पुरुष एक एफिशिएंसी के हिसाब से 19 ही काम करेंगे, ठीक है, और महिलाएं मान लेते हैं एक महिलाएं हैं और ये 3 यूनिट के हिसाब से एक दिन में 3 काम करती हैं तो 3x काम करेंगी टोटल ओवरऑल मिला के। ठीक है, एक महिला अगर 3 यूनिट काम करती है तो मैं x महिलाओं को मान लिया तो वो टोटल मिल के x महिलाएं कितना काम करेंगी, 3x काम करेंगी। ठीक है, आपसे वो ये बोला जाता है कि अगर 10 महिलाएं हैं मान लो और एक महिला 3 यूनिट काम करती है तो 10 महिला 10 या 30 करती, वैसे ही मैंने अगर x मान लिया महिलाओं की संख्या को तो ये 3x होगा, या फिर आप ये बोल लो कि x into 3 होगा। और ओवरऑल काम कितना है, तो काम इनमें से किसी को भी ले सकते हैं, जैसे 15 पुरुष मैंने ले लिया तो 15 पुरुष तो एक के हिसाब से 15 यूनिट ही काम करेंगे, और 6 महिलाएं 3 के हिसाब से 6 3 18 काम कर देंगी, और फिर साथ में इधर 25 दिन था तो 25 भी मैंने लगा लिया। ठीक है, अब इसको आप कटा लीजिए तो ये 3 5 15 कट जाएगा दोस्त, और ये 5 5 25 कट जाएगा, और ये 15 और 18 कितना है, 33 है, तो 3 से 33 भी कट जाएगा 11 बार में, यानी कि ओवरऑल बन गया आपका 3x और प्लस में 19 बराबर में आ गया इधर कितना, 11 5 55, तो आप 19 को ले जाके 55 में से घटा दीजिएगा तो 3x बराबर ये 33 आएगा ना, 8 5 13 1 और 1 2 और 1 3। ठीक है, और ये 55 में से 19 अभी घटाइए तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 36 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 3 से कट जाएगा, 12 और 12 आंसर आएगा, यानी कि 12 महिलाओं की और आवश्यकता होगी। देखें दोस्त क्या है इस सवाल में अपने पास, इसमें है कि पाइप पी जो है वो टंकी को 32 मिनट में भर सकता है और क्यू जो है वो 36 मिनट में भर सकता है और आर जो है वो भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है, अगर तीनों को एक साथ खोला जाए तो टाइम कितना लगने वाला है। इजी सवाल है, 2 पाइप भरने वाले हैं और तीसरा खाली करने वाला है, तीनों को खोल दिया जाएगा तो कितना समय लगेगा, थोड़ा आपको कैलकुलेटिव लग सकता है लेकिन इतना टफ भी नहीं है सवाल। देखो पी क्यू आर हमने लिख लिया और पी का काम है कि ये 32 मिनट में भर लेगा, क्यू का काम है कि ये 36 मिनट में भर देगा और आर 20 मिनट में खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला है इसीलिए मैंने इसे माइनस में ले लिया। अब देखें आप पहले इनका एलसीएम ले लो, देखो टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि नीचे एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर और यहाँ पर, और अगर इन दोनों को किसी को भी आप गुणा करोगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा, एक तो ये तरीका है। और अगर आपको ये नीचे वाला लिखने में दिक्कत आ रहा है तब आप क्या करो कि पहले एलसीएम निकाल लो ऊपर वाले का, क्योंकि एलसीएम भी टोटल वर्क होता है, तो आप पहले इन तीनों का एलसीएम ले लो कि एलसीएम कितना आता है, जैसे ही आप एलसीएम निकालेंगे तो वो टोटल वर्क के बराबर होगा। तो नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एलसीएम आप कह लो या फिर टोटल वर्क कह लो, इन तीनों का एलसीएम निकालोगे तो 32 को हम तोड़ेंगे तो ये 4 8 32 हो गया, और अभी 36 भी चाहिए तो 9 लगा लेते हैं, 9 4 36 और 20 के लिए 5 लगा लेते हैं, 4 तो है ही, तो ये एलसीएम अपना निकल के आ रहा है। ठीक है, ये एलसीएम है यानी कि यही टोटल वर्क है अपना। अब देखो इतना एलसीएम है तो हमारे पास पहले 32 है तो 32 के नीचे हम क्या लिखें, 32 से डिवाइड करोगे तो 8 4 32 छोड़ के 9 5 45 बच रहा है, तो नीचे मैंने 45 लिख लिया। वैसे ही 36 के नीचे आप देखो 9 4 36 अगर मैं छोड़ दूँ तो बच जाएगा अपने पास 8 5 40, और अगर 20 छोड़ना है तो 5 6 20 छोड़ दूँ तो 8 9 72 यहाँ पर 72 बच जाएगा, यानी कि ये अपना एफिशिएंसी का नीचे रेशियो आ गया और हमें तीनों को खोलना है एक साथ। तो आप बताओ कि कितना टाइम लगेगा, टाइम बराबर हम लिख लेते हैं टोटल वर्क, टोटल वर्क किसी भी आप दो को गुना कर सकते हैं या फिर मैंने बताया कि जो एलसीएम है वही टोटल वर्क होता है। ठीक है, फिलहाल अपने पास सवाल में ये कह रहा है कि आधा भाग कितने समय में भरेगा, तो टोटल वर्क तो है अपने पास 20 × 72, लेकिन इसका आधा चाहिए तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से, और ये काम किससे कराना है, इन तीनों से, तो तीनों में ये 2 भरने वाले हैं तो इनको जोड़ेंगे तो ये 85 हो जाएगा, 45 और 40 85, और तीसरा है खाली करने वाला तो उसको घटा देते हैं, 85 में से 72 घटाइएगा तो 13, ये 2 से कटा दीजिएगा तो 10 बार में कट जाएगा, यानी कि अपने पास आ जाएगा 720 और बटे में 13, 720/13 का मतलब है 55 पूर्णांक और 5/13 यानी कि ऑप्शन 4 ये इसका सही जवाब है। ठीक है, ईजी था, बस थोड़ा आपको देखने में कुछ अंक ऐसे दे दिए गए हैं इसमें कि
देखने से ये कैलकुलेटिव लगने लगे। आगे सवाल है कि पाइप ए एक खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकता है, बी के साथ यह मिल करके 12 घंटे में ही भर सकता है, बी अकेले कितने समय में भरेगा। तो ईजी है, देखो ए 14 घंटे में भर सकता है, ए बी दोनों काम करेंगे अगर तो 12 घंटे ही लगता है, और हमें बी का बताना है। तो आप इनका देखो यहाँ पर 12 लिख लो, यहाँ पर 14 लिख लो, ऐसा मैंने बता रखा था। ये 6 × 12, ये 7 × 14 कट जाएगा, यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 6 और 7। ये जो 6 और 7 आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ए एक दिन अगर काम करेगा तो 6 काम करेगा, और बी ए बी मिल के अगर एक दिन काम करेंगे तो 7 काम करेंगे। अब यहाँ से आप एक बात समझो कि अगर ए बी मिल करके एक दिन में 7 काम कर रहे हैं और ए अकेले एक दिन में 6 काम कर दे रहा है, यानी कि बी एक दिन में कितना कर रहा होगा, 1 यूनिट। देखो ए एक दिन में जब 6 काम कर, बी अगर 1 करेगा तभी तो दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम कर पाएंगे, ठीक है। अब टोटल काम कितना है तो आप किसी भी दो को गुना कर लो, 1284 काम है, और ये काम कराना किससे है, बी का हमें बताना है। तो बी का एफिशिएंसी 1 है तो हम 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 84 ही आपका रह जाएगा, और 84 इस सवाल का क्या है, सही जवाब है, ठीक है। आसान सवाल है ये भी, तो 84 इसका सही है। आगे बढ़ जाते हैं। देखा दोस्त, अगले सवाल में अपने पास क्या है कि 3 पुरुष, हो सकता है आपको साफ ना दिखाई दे रहा हो तो आप ज़रूर से क्वालिटी थोड़ा वीडियो का अच्छा करके फिर देखिए आप। तो यहाँ पे सवाल है अपने पास कि 3 पुरुष और 5 लड़के किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, 6 पुरुष और 7 लड़के उसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि लड़कों द्वारा किए गए कार्य और पुरुषों द्वारा किए गए कार्य के बीच क्या संबंध है। तो इसके लिए आप बस टाइम एंड वर्क वाला फॉर्मूला वो लगा लो, जैसे कि 3 पुरुष हैं और 5 लड़के, तो मैंने लिख दिया कि 3 पुरुष और 5 लड़के, लड़के के लिए मैंने बी लिख दिया बॉय, ये काम करते हैं तो 15 दिन लगाते हैं, और अगर 6 पुरुष और 7 लड़के काम करते हैं यानी कि 7 बॉय, तो टाइम कितना लगता है, 9 दिन। अब आप इसको कटा लो, ये 3 × 9 हो जाएगा, ये 5 × 3 = 15, और इनको गुना करोगे तो ये 5 × 3 = 15 पी, और प्लस 5 × 25 = 25 बी, और इधर आ जाएगा 6 × 3 = 18 पी, और प्लस 7 × 3 = 21 बी। अब बी को एक साइड और पी को एक साइड कर लो, तो बी को मैं इधर ला रहा हूँ 25 की तरफ, तो बताओ बी इधर आएगा अगर, तो 25 में से 21 जाएगा, तो कितना बी बच जाएगा दोस्त, 25 में से 21 घटाएंगे तो अपने पास 4 बी बच जाएगा, और बराबर ये 18 की तरफ जाएगा पी, तो 18 में से 15 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, 3 पी। इसका मतलब हुआ कि 4 बॉय काम करेंगे तो 3 पुरुष के बराबर काम करेंगे, और यही अपना आंसर है पहला ऑप्शन, 4 लड़कों का काम 3 पुरुषों के बराबर है, और ये हमारे पास आ चुका है। तो ये इजी सा सवाल है, आसान है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, और अगले सवाल पे आ गए हैं हम। देखिए इसमें क्या है कि ए और सी किसी खाली टंकी को 7 घंटे में और 10.5 घंटे में भर सकते हैं, बी भरी हुई टंकी को 5.25 आवर्स में खाली कर सकता है। आगे आपको ये कहा गया है इसमें कि यदि खाली होने पर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भाग कितने समय में भर जाएगा। इजी सा सवाल है, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए पहले से कि कैसे बनाएंगे। चलिए फिर बनाते हैं इसको पहले, उसके बाद देखेंगे। देखें यहाँ पे क्या है अपने पास, पहले हम रेशियो लिखने की कोशिश करते हैं। ये ए है, बी है और सी है, पहले ए सी को ही लिख लेते हैं, और ये बी है। अब देखेंगे इसमें क्या है कि ए 7 घंटे में भर सकता है और बी 10.5 घंटे में भर सकता है, ठीक है। बी कितने समय में भरेगा दोस्त, 10.5 घंटे में, 10.5, और सी का काम है कि सी 5.25 में भर सकता है। अब देखो अगर आपको यहाँ से रेशियो लेने में दिक्कत है तो आप क्या करो कि इस पॉइंट वाले हिस्से को ना बटा में बदल लो। बटा में कैसे बदलेंगे, देखो ये 5 है और 0.25 का मतलब होता है 1/4, यानी कि इसका मतलब है 5 सही 1/4, और 5 सही 1/4 को आप तोड़िएगा तो 5 × 20 = 21/4 आएगा। ये 21/4 है एक्चुअली में, तो मैं इसको 21/4 ही छोड़ देता हूँ, और ये 10.5 है यानी कि ये 21/2 है, और ये 7 है। अब बताओ सबको हम 21 बना सकते हैं, नीचे एफिशिएंसी का रेशियो लिखेंगे तो ए के नीचे मैंने 3 लिख दिया, ये 7 × 21 बन जाएगा। सी के नीचे 2 लिख दिया क्योंकि ये 21/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 21 आ जाएगा। और बी के नीचे हमने कितना लिख दिया, 4, क्योंकि वो 21/4 था, तो 4 से 4 कट के उसका भी 21 आ जाएगा। यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया दोस्त, 21 हो गया। और ये कराना किससे है, ये कह रहा है कि 21 काम नहीं कराना है, ये कह रहा है कि 2/3 भाग ही भरना है, टंकी का 2/3 भाग भरना है। तो बताओ 21 का 2/3 भाग भरना है, और भरेगा कौन कौन भाई, तीनों लोग भरेंगे, तो तीनों लोग भरेंगे तो तीनों से डिवाइड कर देते हैं, इसमें बी खाली करने वाला है। तो आप देखो ये 3 और 2 5, 5 में से इस 4 को हम घटाएंगे क्योंकि ये खाली करने वाला है, तो 1 ही आएगा, यानी कि ओवरऑल यही आंसर आएगा अपना कटा के। तो 7 × 21, अच्छा 3 × 7 = 21 होगा ना यहाँ पे, 7 और 7 × 2 = 14, यानी कि 14 यूनिट इसका आंसर होगा।
ठीक है, तो आसान से सवाल है और कुछ बड़ी बात नहीं है। आप चाहें तो पहले भी कर सकते थे इसको, जैसे कि आपने पहले टाइम वर्क ही निकाल लिया कि कितना यूनिट काम है, तो आप बोले कि टोटल 21 यूनिट काम था और इसका 2/3 ही कराना था, तो मैंने 3 से कटाया, 3 × 7 = 21 और 7 × 2 = 14 यूनिट काम कराना है। और ये 14 यूनिट किससे कराना है, तीनों से, और तीनों में बी खाली करने वाला है, तो आप इन दोनों को जोड़ते और बी वाले को घटा देते, यानी कि 3 × 2 = 5 × 4 घटाते तो 1 से डिवाइड करते तो भी आपका 14 आता है। ईजी सवाल है वैसे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे आ जाते हैं अगला सवाल, इस सवाल को भी आप खुद से बनाकर एक बार ट्राई जरूर करें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। चलिए आप ट्राई कर लिए होंगे वैसे, क्योंकि पहले से पीडीएफ मैंने दे रखा है, अब सवाल बनाने लगते हैं डायरेक्ट से। देखिए ए और बी कह रहा है कि जब एक साथ काम करते हैं तो वो 14.4 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं, ठीक है। यदि 2.4 घंटे बाद ए काम करना बंद कर दे तो टैंक को भरने में टोटल 50.4 घंटे लग जाते हैं, तो ए को खाली टैंक अकेले भरने में कितना समय लगेगा। इजी सवाल है, आप पहले एक बार समझिए कि बात क्या है, बहुत ध्यान से बात को समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। आप ट्राई तो कर ही चुके होंगे कि ए है और ये कह रहा है कि ए और बी अगर एक साथ काम करेंगे तो ये 14.4 आवर्स में भर देते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर 2.4 घंटे बाद ए काम करना बंद कर दे तो टोटल 50.4 घंटे का टाइम लग जाता है। अब आप एक बात समझो कि अगर ए भी 14.4 घंटे काम करें और बी भी 14.4 घंटे काम करें, यहाँ पर ये बात समझना कि दोनों मिल करके 14.4 घंटे में काम ख़त्म कर देते हैं पूरा। ये शुरू में ही आपको पहली लाइन में दूसरी लाइन में बात लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है दोस्त, इसका मतलब ये है कि अगर ए अकेले काम कर दे 14.4 घंटे तक और बी भी उसके साथ 14.4 घंटे तक काम करे तो पूरा काम ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ए भी 14.4 घंटा काम करेगा और बी भी उतना ही समय तक काम करेगा 14.4 घंटे तक ही, तो काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सवाल में ये कह रहा है, अब बताओ कि दूसरा कंडीशन में जो दूसरा केस है उसमें 50.4 घंटे क्यों लग गए हैं, क्योंकि ए 14.4 घंटे काम नहीं किया है, ए 2.4 घंटे काम करके ही काम बंद कर दिया है अपना, और बाकी का जो ए का हिस्से का काम बच जा रहा है वो भी अब बी करेगा, और इसीलिए 50.4 घंटे लग जाते हैं। अब यहाँ से आप एक बात बहुत ध्यान से समझो कि देखो, अगर ए, मैं आपके लिखने के लिए ये बात समझा रहा हूँ, आप ये मत समझिए काफ़ी लॉन्ग बना रहा हूँ मैं, ठीक है, आप एक बार समझ लो, पहले समझ जाओगे तो सब कुछ शॉर्ट लगने लगेगा। ये कह रहा है इसमें कि जैसे ए काम करता कितने समय तक, 14.4 समय तक, और बी भी काम करता देखो 14.4 समय तक, तो टोटल काम ख़त्म हो जाता है। बी भी 14.4 तक करता और ए भी 14.4 समय तक करता तो काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि ए ने कितने समय तक किया, 2.4 समय तक किया, यानी कि ए के लिए कितने समय का काम खाली रह गया, 12। आप 2.4 इसमें से घटाइएगा तो 12 घंटे आ जाएगा, यानी कि ए के लिए 12 घंटे का काम रह गया था, और बी ने, तो मान लो बी भी 2.4 घंटा शुरू में काम किया होगा ए के साथ, तो बी के लिए भी 12 घंटे का काम रह गया था, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि ए का जो 12 घंटे का काम रह गया था ये ए किया नहीं, क्योंकि ए ने काम छोड़ दिया, 2.4 ही घंटे काम करके ए बंद कर दिया, तो अब बी अपना ये 12 घंटे में तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन ए का जो 12 घंटे का काम बच गया है वो भी काम कौन करेगा, वो भी अब बी ही करेगा। अब देखो, अगर ये बी के लिए ही काम बाकी रहता, केवल बी वाला ही पार्ट बाकी रहता, तो वो तो 12 घंटे में काम ख़त्म कर देता, लेकिन फिर भी 50.4 घंटे लगे हैं, और उसका कारण क्या है कि ए का 12 घंटे का काम खाली बच गया है, क्योंकि ए भाग गया है, तो ए का जो ये 12 घंटे का काम बचा है ये बी को करना पड़ेगा, और यही बी काम करने में टाइम लगा रहा है, इसीलिए ज़्यादा समय लग गया है। तो अब इस पूरे बात से आपको क्या कंक्लूजन निकला, आप ये समझिए कि ये मैंने इतना सारा क्यों लिखा, आप वापस अब एक बार समझिए शुरू से। मैं ये बताना चाहता था जैसे कि ए और बी दोनों 14.4 घंटे में तो पूरा काम ख़त्म कर ही सकते हैं, लेकिन ए ने 2.4 घंटे ही काम किया। आप बताओ, इसमें से ए ने 2.4 ही घंटे काम कर दिया, यानी कि ए का कितने घंटे का काम खाली रह गया था, 12 घंटे का काम, और बी ने अपना 14.4 घंटा पूरा काम किया है, ठीक है। अब ये बताओ कि बी 14.4 घंटे में तो अपने हिस्से का काम ख़त्म कर लेगा, अब 50.4 घंटे टोटल लगे हैं, इसमें से बी ने 14.4 घंटे का अपना काम ख़त्म कर दिया है, यानी कि बाकी कितने घंटे का काम रह गया, तो आप बोलेंगे कि बाकी रह गया जी 14.4 अगर हम घटा दें 50.4 में से, तो बाकी 36 घंटे बी और काम किया है, बी और कितने घंटे काम किया है, 36 घंटे। यही लाइन आपके लिए समझने वाला है, और अगर ये लाइन समझ गए तो आप ये सवाल समझ गए। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ दोस्त, कि ए बी, यानी कि ए 14.4 घंटे काम करेगा, बी भी 14.4 घंटे काम करेगा, तो काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ए ने 2.4 ही घंटे काम किया, अपना 12 घंटे का काम छोड़ के चला गया,
देखो बी तो अपने हिस्से का पूरा काम किया है क्योंकि बी भागा नहीं है, बी नहीं भागा है तो बी अपना 14.4 घंटे का काम खत्म कर दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लगा कितना है, 50.4 घंटे लगे हैं, 14.4 घंटा नहीं लगा है। अब ये 50.4 क्यों लगा है, क्योंकि इसमें से 1 या 12 घंटे का काम जो बच गया था वो बी को करना पड़ा, ठीक है। और वो बी करने में कितना समय लगाया हुआ ये पहले पता कीजिए आप। तो आप बोले कि 50.4 घंटे में से 14.4 घंटे बी तो अपना ही काम करने में लगाया होगा, तो अगर 50.4 में से आप 14.4 को घटाते हैं तो आपके पास 36 घंटे बच जाएंगे, यानी कि बी इस 36 घंटे में 1 या 12 घंटे का काम किया है, यानी कि ए के लिए जो 12 घंटे का काम बचा था वो बी करने में कितना समय लगा दिया, 36 घंटे लगा दिया। अब यहाँ से कटा के हम रेशियो निकालेंगे तो आप देखिए यहाँ से कटाएंगे अगर हम, तो ये सब थोड़ा हटा लेते हैं, ज़्यादा ही कुछ इस पर कटपीट हो गया है कि, तो यहाँ से आप बोलेंगे कि ये 12 या 36 है, इसका मतलब कि ए बाई बी का रेशियो कितना आ गया, 3:1 आ गया, ठीक है। 3:1 का मतलब कि ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है, इसका मतलब दोनों मिलके अगर काम करेंगे एक दिन में तो 3-4 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। दोनों एक दिन में काम करेंगे 4 यूनिट, और इस दोनों को अगर आप गुना कीजिएगा तो टोटल काम कितना हो गया, 14.4 और गुना में 4, और ये काम हमें कराना किससे है, केवल ए से कराना है। तो केवल ए का कितना था दोस्त, ए का केवल 3 यूनिट था, तो 3 से आप इसको डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12 और 3 8 24, और इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा ये 19.2, यानी कि 48 चौके होता है 192, 19.2 इसका सही उत्तर है, ठीक है। एक बार और मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, हो सकता है आपको नहीं समझ में आया हो। देखो ए और बी का रेशियो आ गया 3:1 का, इसका मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, और ए और बी दोनों अगर मिलके काम करते हैं तो आप बोलोगे कि एक दिन में ये 3 और 1 4 यूनिट काम करेंगे। अगर ये दोनों एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं लेकिन 14.4 दिन में ये दोनों एक साथ मिलके पूरा काम खत्म कर देते हैं, तो यहाँ से हम टोटल काम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो तो आपको आ ही गया है। और इतना कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो देखो एक बार थोड़ा सा मैं वापस बताना चाहता हूँ, वीडियो भले ही लंबा हो जाए लेकिन बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। और अगर दोस्त ये सवाल समझ में आ गया है तो ज़रूर से कमेंट करना और लाइक करना वीडियो को। देखो मैंने क्या बता रहा था यहाँ पर, जैसे आप ऐसा अगर लिखते, अब जैसे मैं शुरू में बना रहा था सवाल, तो आप बोलते कि ए बी 14.4 घंटे में कर रहे हैं और यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, और हमने एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया था अब कि ए और ए बटा बी कितना आ गया था हमारा, ए बटा बी आ गया था 3:1, इसका मतलब बी के नीचे मैं यहाँ 1 लिखता और ए के नीचे कितना लिखता, 3, और ए बी दोनों के नीचे कितना लिखता, ये 3 और 1 मिला के मैं 4 लिखता, ठीक है। और यहाँ से आप बोलते कि ये टोटल गुना करेंगे तो हमारा टोटल काम निकल जाएगा, और वो कितना आएगा दोस्त, तो टोटल काम आ जाएगा हमारा 14.4 और गुना में ये 4, और ये काम अब हमें ए से कराना था तो ए वाले से हम 3 से डिवाइड कर देते, और इससे कटा के आपका आ गया था 4.8, और 48 चौके 192 होता है, और 0.1 लास्ट में लग जाएगा 19.2। अब आशा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अब अगर आपको समझ में आ गया है तो 2 बार लाइक कर दो, वैसे होता नहीं है 2 बार लाइक। देखो क्या है यहाँ पर कि टाइप 1 के कामगार 2 कामगारों की अपेक्षा 2.25 गुना अधिक दक्ष हैं, ठीक है, यानी कि उनकी जो एफिशिएंसी है, क्षमता है काम करने की, वो 2.25 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, टाइप 2 वाले से। अब ये कह रहा है कि टाइप 1 के 12 मजदूर एक काम को पूरा करने में 16 दिन का समय लेते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर टाइप 1 के 4 और टाइप 2 के 15 मजदूर काम को पूरा करने में लग जाएँ तो कितना समय लगेगा। कोई बात नहीं है, इजीली कर पाएंगे। देखिए आप यहाँ पर लिख लो, जैसे मैंने टाइप 1 यहाँ ले लिया और टाइप 2 यहाँ ले लिया। अब यहाँ पर क्या है कि एफिशिएंसी का रेशियो है हमारे पास कि ये अगर 1 यूनिट दूसरा काम करेगा तो पहला वाला का एक आदमी कितना यूनिट काम करेगा, 2.25 यूनिट, ठीक है। अब देखो अगर इसको भी आप पॉइंट से बटा में आना, डायरेक्टली फ्रैक्शन में चेंज करना आप सीखे हुए हैं कि इजीली कैसे चेंज करते हैं, तो आप इजीली इसको चेंज कर पाएंगे और ये बनेगा 9/4, ठीक है, 9/4 बन जाएगा, क्योंकि 1/4 0.25 होता है और 9 टाइम्स इतना हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये कितना है दोस्त, आप ऐसे कह सकते हैं कि ये 2 है और प्लस 0.25 का मतलब 1/4 है, तो ये 4 × 8 = 9/4, ऐसे भी कह सकते हैं। और 9/4 का मतलब क्या है, 9/4 का मतलब है कि अगर ये बी वाला दूसरा वाला 4 यूनिट काम करेगा तो पहला वाला 9 यूनिट काम करेगा। और अगर ऐसे भी दिक्कत है आपको तो आप डायरेक्ट ऐसे ही लिखो, देखो
कि टाइप वन यहाँ हो गया, टाइप टू यहाँ पर हो गया। टाइप टू अगर एक यूनिट काम कर पाएगा तो दूसरा वाला कितना, पहला वाला कितना करेगा, उसका 2.25 गुना ज़्यादा करेगा, यानी कि इतना करेगा। अभी इसमें से अगर पॉइंट आप हटाते हैं तो यहाँ जीरो आएगा, और चार से कटाइए, चार से 25 बार में कट जाएगा, और ये 9 से 25 बार में कट जाएगा। यानी कि ये इनकी एफिशियंसी का रेशियो है, ये मैं बताना चाहता था आपको, ठीक है। ये इनकी एफिशियंसी का रेशियो आ गया। अब देखिए सवाल में आपसे पूछ रहा है कि टाइप वन के 12 कामगार, देखिए टाइप वन के 12 कामगार अगर काम करेंगे तो 9 के हिसाब से वो काम करेंगे, 9 की एफिशिएंसी से, यानी कि 12 × 9 वो एक समय में काम कर देंगे, ठीक है। और 16 दिन का काम लेते हैं, एक दिन में 12 × 9 करते हैं तो 16 दिन में इतना काम करेंगे। और यही काम कह रहा है कि अगर एक के चार, पहले वाले चार, देखो पहले वाले चार काम करेंगे तो 9 की एफिशिएंसी से वो 9 × 36 काम कर देंगे, और दूसरे वाले 15, दूसरे वाले टाइप से 15 लोग लिए जाते हैं तो 15 लोग चार के एफिशिएंसी से 15 × 60 काम कर देंगे, तो समय कितना लगेगा आपको यही बताना है। आप बताओ ये कितना हो गया, 60 और 36 जोड़िएगा तो ये बन जाएगा अपने पास कितना, 96। और अगर ये 96 बन रहा है तो ये 16 से कट जाएगा, 16 × 96 पूरा, और 6 × 12 यानी कि x बराबर कितना आ गया दोस्त, 9 × 18, और 18 इस सवाल का सही जवाब है। इजी था प्रश्न, आपको बस समझने की ज़रूरत थी। अगला सवाल है, पाइप बी की तुलना में पाइप ए किसी कुंड को भरने में 2.5 का समय लगाता है, ठीक है, 2/5 का समय लगाता है, कोई बात नहीं है। चलिए आगे क्या कह रहा है कि सी उसी कुंड को भरने में पाइप ए की तुलना में 3 गुना समय लेता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो वो पूरे खाली कुंड को 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि पाइप बी को चालू नहीं किया जाए तो खाली कुंड को भरने में कितना समय लगेगा। ऐसे सवाल भी काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, देखेंगे आप इसी वीडियो में आगे आपको कई सारा ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, देखें क्या है। और वैसे मैं तो कहूँगा भाई कि जो SSC CGL या CHSL की तैयारी कर रहे हैं, NTPC की, उनको भी ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सवाल जो आया है वो काफ़ी अच्छे लेवल का है। भले ही कहने के लिए ग्रुप डी है लेकिन सवाल बिल्कुल भी ग्रुप डी लेवल का केवल नहीं रह गया है इसमें का। देखिए अब क्या है यहाँ पे, पहले हम लिख लेते हैं, बी है, ए है और सी है, और ये कह रहा है कि बी की तुलना में ए कुंड को भरने में 2/5 समय लगाता है। अब 2/5 समय लगाने का मतलब क्या है, देखो 2/5 का और बी की तुलना में, इसका मतलब कि बी अगर 5 यूनिट काम करेगा तो ए 2 यूनिट काम करेगा, 2/5 का मतलब यही हुआ। अगर ऐसे आपको दिक्कत है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बी अगर एक है तो ए क्या है, बी का कितना गुना है, 2/5 गुना है। अभी आप 5 को इधर ला के 1 से गुना कराइएगा तो इधर 5 बन जाएगा, इधर 2 बन जाएगा, यही मैंने डायरेक्ट लिखा था कि इसका मतलब यही हुआ कि बी अगर 5 यूनिट काम करेगा तो ए कितना यूनिट काम करेगा, 2, और सी जो है वो ए का 3 गुना है, यानी कि ये 2 तिया कितना बन जाएगा, 6। अभी ये चूंकि रेशियो है तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि यहाँ से हम डायरेक्ट पहले नीचे ले लेते हैं 2, 5 और 6 का LCM कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे कि 30 बनेगा, तो मैं 30 बनाने के लिए इसके नीचे 6 लिखूंगा, इसके नीचे 15 और इसके नीचे 5। अब ये 30 जो आप ऐसे गुना करके 30 को टोटल वर्क मत मानिए, ये मैंने पीछे भी बताया हुआ था कि ये टोटल वर्क नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ऊपर वाला भी हमने रेशियो लिया है और नीचे वाला भी रेशियो ही है। ऊपर वाला अगर टाइम होता है एग्जैक्ट टाइम तब टोटल वर्क आपका निकलेगा, तो ऊपर तीनों का टाइम हमें पता है कि तीनों ABC मिलकर 15 घंटे का समय लेते हैं। अगर ये तीनों 15 घंटे का समय लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे तीनों को अगर आप जोड़िएगा तो कितना बन जाएगा बताइए, जोड़ करके ये बनेगा 15 और 6 21 और 5 26 आ गया, यानी कि इनको गुना कीजिएगा तो टोटल टाइम निकल जाए, टोटल वर्क निकल जाएगा। तो टोटल वर्क कितना है, 15 × 26, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो टोटल वर्क है 26 × 15 या 15 × 26। और कराना किससे है, बी को चालू नहीं किया जाता, यानी कि ए और सी से कराना है, यानी कि 6 और 5 11 से कराना है, 11 से कराना है तो 11 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा, पहले एक बार गुना कर लेते हैं फिर भाग कर लेंगे 11 से, क्यों, अच्छा यार ये तो मैंने बी को जोड़ लिया ना इसीलिए नहीं कट रहा है, बी को चालू नहीं किया जाता है तो ए को ना जोड़ना है, ए तो यहाँ पे नहीं लिखा गया है ना, एक मिनट, ए यहाँ पर है, मैंने गलती से बी को ही जोड़ लिया था, ये वाला बी है इसको नहीं जोड़ना है दोस्त, ये ए है और ये सी है, 15, 5, 20 नीचे आएगा, ठीक है, तो 20 आएगा तो इसको 10 × 20 हम लिख देते हैं, और ये 13 × 26, और 13 को अगर 15 से गुणा कराइएगा तो 195 आ जाएगा, और बटे का 10 यानी कि ये हो गया 19.5, ठीक है, 19.5 यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले सवाल में आते हैं। देखिए अगले सवाल में क्या है अपने पास कि ए किसी काम को 2.5 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 7.5 दिन में कर सकता है, और उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन काम खत्म होने से 5.5 दिन पहले ए चला गया काम छोड़ के, तो ए अकेले कितने दिनों में काम को, ए ने कितना दिन काम किया ये बताना है। ऐसा लगभग बिल्कुल सेम ऐसा सवाल तो नहीं मैंने बताया हुआ है, लेकिन इस टाइप का सवाल मैंने पहली वीडियो में और पहला ही क्वेश्चन है फर्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि सेम टाइप का,
और आगे भी अभी इस वीडियो में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, तो आप ज़रूर से तैयार रहिए और इसको ढंग से समझिए कि क्या है इस सवाल में। देखिए ए कह रहा है कि 2.5 डेज लगाता है, एक मिनट, 2.5, ये 2.5 समझ लेना अपना, और बी 7.5 और सी तो है नहीं, बस इतना ही है, ठीक है। तो आप देखो इसको 75 बना सकते हैं एक से गुना करके, इसको तीन से गुना करके, तो ये दोनों किसी को भी आप गुना कीजिएगा तो 7.5 आ जाएगा, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया, 7.5 आ गया, ठीक है। अब देखिए टोटल वर्क अगर 7.5 है, आप इसको उल्टा लिख के और कटा के भी 7.5 ला सकते हैं, जैसा मैंने पहली वीडियो में आपको बताया है ये सारा काम करना। तो 7.5 टोटल वर्क है। अब इसमें से ये कह रहा है कि ए कब चला गया है, ए 5.5 दिन रह गया था जब काम ख़त्म होने के लिए, तब वो चला गया है, यानी कि 5.5 दिन पहले ही चला गया है काम ख़त्म होने से। तो अगर पहले कोई भागता है तो उसका भी काम हम इसमें जोड़ते हैं, ऐसा मैंने पिछली वीडियो में करा रखा है। तो वो 5.5 दिन पहले गया है ए, तो ए का 5.5 दिन का काम आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ए एक दिन में अगर 3 यूनिट काम करता है तो 5.5 दिन में कितना काम करेगा, आप 3 से गुना कर लो तो ये 16.5 यूनिट और काम ए का रह गया था, ठीक है। यानी कि ए इतना काम छोड़कर भाग गया अपना, ठीक है। 5.5 दिन पहले भागने का मतलब है कि ए 16.5 काम छोड़कर भाग गया, तो ए का 16.5 जो काम है वो भी अब ऐड करना पड़ेगा इसमें, वो भी काम अभी करना पड़ेगा। तो ये बन गया 7, 6, 13 और 1, 24, यानी कि टोटल 24 यूनिट का काम हो गया। और ये 24 यूनिट का काम कराना किससे है, तो आप बोलेंगे दोनों से अब, क्योंकि ये सारा काम है। तो आप ए और बी को जोड़िए तो 3 और 1 जोड़िएगा तो 4 से डिवाइड कीजिएगा, तो 4, 6, 24, इसका मतलब है कि 6 दिनों में काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो 6 ऑप्शन नहीं है इसमें, कुछ और पूछा है क्या। अच्छा ए कितने दिन काम किया, देखिए 6 दिनों में पूरा काम ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपसे ये पूछा गया है कि ए कितने दिन काम किया। आप बताइए कि टोटल 6 दिन काम चला है, लेकिन ए 5.5 दिन पहले ही भाग गया है। अगर 6 में से वो 5.5 दिन पहले भाग गया है, यानी कि आधा दिन ही वो काम किया, ऑप्शन ए सही है। टोटल 6 दिन काम हुआ, उसमें से वो 5.5 डेज पहले ही भाग गया, तो आप घटाइएगा तो 0.5 डेज ही वो काम किया है। आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं दोस्त, और अगले सवाल में देखिए आगे कह रहा है यहाँ पर कि ए और बी एक काम को 10 दिनों में मिलकर समाप्त कर सकते थे, और बी और सी 15 दिनों में समाप्त कर सकते थे, सी और ए 12 दिनों में समाप्त कर सकते थे, यदि वे तीनों, ये कह रहा है कि यदि वे तीनों एक साथ काम करने लगे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। आसान है, कोई बात नहीं है, लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए ए बी कितने दिन में काम ख़त्म करते हैं, तो आप बोलेंगे कि ए बी 10 दिन में कर सकते हैं, बी सी कर सकते हैं कितने दिन में, जी 15 दिन में, और सी ए कर सकते हैं 12 दिन में। और ये कह रहा है कि अगर वे तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में ख़त्म होगा, तो आप एफिशिएंसी का रेशियो ले लो, इन दोनों को हम अपोजिट करके लिख लेते हैं, ठीक है। या देखो 60 बना सकते हैं, इनका एलसीएम 60 बन रहा है, ठीक है। तो जो एलसीएम होता है उतना ही बनाना रहता है, तो 60 बना लो, 10 6 60 हो जाएगा, 15 4 60 और 12 5 60, यानी कि टोटल काम कितना हो गया दोस्त, तो टोटल काम हो गया 60 यूनिट, ठीक है। और ए बी सी से हमें कराना है, तो आप ए बी सी का एफिशिएंसी लिखो, तीनों को अगर आप जोड़ते हैं तो बनेगा 6 4 10 और 5 15, 6 4 10 और 5 15 बन रहा है दोस्त, यानी कि 15 यूनिट ये काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें दोनों आ गया ना जोड़ने पर, ऐसा मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था। आप देखो ए बी को, बी सी को और सी ए को जोड़ेंगे तो ये दो दो बार आ जाएंगे, ए बी दो बार आ जाएगा, बी भी दो बार आ जाएगा और सी भी दो बार आ जाएगा। तो ये जो 15 आ गया ये इनकी एफिशियंसी का डबल है, तो इसे हमें आधा भी करना पड़ेगा ताकि सही एफिशियंसी इनका निकल पाए। तो 15/2 एफिशियंसी है, तो आप 15/2 से डिवाइड कर दीजिए, 15/2 यानी कि ये हो जाएगा 60 गुना में 2 ऊपर और 15 नीचे, तो ये 15 4 60 और 4 2 8, यानी कि 8 घंटे इसका क्या होगा, या 8 दिन सही जवाब होगा। आसान सवाल है, ऐसा कई बार मैंने करा रखा है, तो वापस इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। अगले सवाल में है कि 14 लोग 12 दिन में काम ख़त्म कर सकते हैं, 4 दिन काम करने के बाद 2 और कामगार इसमें जुड़ गए तो काम कितने दिन में पूरा कर लिया जाएगा। अच्छा आप देखो 14 लोगों के लिए काम कितने दिन का था, 12 दिन का था, ठीक है। लेकिन 4 दिन काम हो गया है, तो आप ये बोलोगे कि 12 दिन का तो काम था लेकिन 4 दिन काम हो गया, यानी कि काम अब 8 ही दिन का रह गया था। 14 लोगों के हिसाब से काम 8 दिन का रह गया था, और यही काम कह रहा है कि 2 लोग और आ जाएं, यानी कि 14 और 2 16 लोग काम करने लगे तो कितना दिन लगेगा। तो आप बोलोगे कि 8 × 16 और 2 × 7 = 14, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7, तो 7 दिन और लगेगा, यानी कि 7 इसका सही जवाब है। आसान था सवाल, आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है देखने में, तो आप, अरे यार ये तो लगता है कि कट गया है आधे पर से, एक सेकंड। देखें दोस्त इस सवाल में क्या है अपने पास, इस सवाल में आपको दे रखा है कि 2 पाइप एक साथ काम करते हुए किसी टंकी को 3.9 और 5.2 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरी पाइप है जो 10.4 घंटे में टंकी को खाली कर सकती है। और आपको ये बताना है कि अगर टंकी 1/12 भर गई है और उसके बाद तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि 1/12 ऑलरेडी वो पहले से भरी हुई है, और ऐसा क्वेश्चन मैंने शुरू में करा रखा है आपको,
ठीक है, इसी वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, इसी वीडियो में मैंने पहले ऐसा क्वेश्चन करा रखा है, फिर भी मैं कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ए है, पहले वाले को ए मान लेते हैं, ये 3.9 आवर्स लेती है, और बी जो है वो 5.2, और सी जो है वो खाली करने वाली है, और ये 10.4 टाइम लेती है खाली करने में। अब बताओ इनका एलसीएम निकालने के लिए हम रेशियो निकाल सकते हैं, जैसे इनको रेशियो निकालने के लिए हम क्या करें, इनको एक साथ चेंज कर लेते हैं। देखो अच्छा, ये 3 से कट जाएगा 13 बार में, आपको पता है ये 13 चौके 52 कट जाएगा, और 13 से 8 बार में कट जाएगा, तो 3 और 4 और 8 इनका रेशियो बन जाएगा कटाने पर। तो 3, 4, 8 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, आप बोलेंगे 24 होगा, तो 24 बनाने के लिए इसके नीचे हमें 8 लिखना पड़ेगा, 8 3 24 होता है, इसके नीचे 6 लिखना पड़ेगा, और इसके नीचे 3 लिखना पड़ेगा। तो टोटल वर्क इस दोनों को आप गुना कीजिए, टोटल वर्क कितना हो गया दोस्तों, आप बोलेंगे टोटल वर्क हो गया 10.4 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 10 3 30 और 4 3 12, यानी कि 30 और 1.2 जोड़ करके हो गया 31.2, ये टोटल काम हो गया, यानी कि इतना लीटर पानी भरना था, लेकिन 1/12 ऑलरेडी भरा हुआ है। अब बताओ 1/12 अगर भरा हुआ है तो और भरने के लिए कितना बच गया, तो आप बोलेंगे कि 12 में से 1 भरा हुआ है तो 11/12 भरने के लिए रह गया। 1/12 भरा हुआ था, यानी कि 12 में से 1 लीटर भर दिया गया है, अब 11 लीटर 12 में से भरना रह गया है, तो इसीलिए मैंने 11/12 से गुना करा दिया। इतना काम कराना है और तीनों से काम कराना है, तो हम तीनों को जोड़ लेते हैं, 8 6 14, और ये खाली करने वाला था 3, तो 14 में से 3 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 11 से डिवाइड कर देना है इसको। अरे वाह, 11 से डिवाइड करना है तो इसको हम कटा ही लेते हैं, और ये 12 से कट जाएगा क्या, 2 और 1 3 और 4 7, 12 से तो नहीं कटेगा ओवरऑल कोई नहीं, 4 से तो कट जाएगा ना, ये 4 3 3 चौके 12, और इसको आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4 7 28, और फिर कितना बचेगा दोस्त, तो आप बोलेंगे 3 और 2 4 8 32, यानी कि ये आ गया अपने पास 7.8 और बटे में 3, तो इसको आप देख लो ये कितना घंटा बनता है, 3 से डिवाइड कर लें क्या, 3 दूना 6, ठीक है, और बचेगा 1, तो 0.36 18, इतना बन रहा है 2 घंटे 2.6, तो इसको हम लिख लेते हैं कि 2 आवर्स, और प्लस ये 0.6 है, तो 0.6 को हम 60 से गुना कर लेंगे ताकि वो मिनट में बदल जाए, तो ये 2 घंटे तो रहेगा है, और 0.6 को अगर आप 60 से गुना कीजिएगा तो 36 आ जाएगा, यानी कि 36 मिनट, और 2 घंटे और 36 मिनट, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है दोस्त। देखें दोस्त इस सवाल में क्या है अपने पास, इस सवाल में अपने पास है कि पाइप ए जो है वो भरी हुई टंकी को 5.6 आवर्स में खाली कर सकता है, और बी खाली टंकी को 7 घंटे में भर सकता है। टंकी पूरे भरे रहने की स्थिति में यदि ए और बी को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। इजी सवाल है, देखो ए 5.6 में खाली कर सकता है, और बी की अगर बात करेंगे तो ये 7 आवर्स में भर सकता है, ओवरऑल 56 ही बना लेते हैं, 1 हो जाएगा और ये 7 8 56 बन जाएगा, लेकिन 0 पॉइंट आपको लेना पड़ेगा, तो क्यों ना हम पूरा 56 बना लें, ये 10 कर लेते हैं, 10 से गुना हो कि ये भी 56 बनेगा और ये भी 8 7 56 बनेगा। अब ये ध्यान रखो कि ए खाली करने वाला है तो ए को हमें माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि ए खाली करने वाला है। अब बताओ कि टोटल कितना यूनिट काम करना है, तो आप बोलेंगे 8 7 56 यूनिट, यानी कि 56 लीटर पानी भरना है हमें, और ये कह रहा है कि पहले ए को खोला जाता है फिर बी को खोला जाता है और बारी बारी से इन्हें चलाया जाता है। अब बताओ अगर इन दोनों को बारी बारी से खोलेंगे तो पहले घंटे में ए 10 लीटर भर देगा, सॉरी 10 लीटर खाली कर देगा, 56 लीटर पूरा ऑलरेडी भरा हुआ है, इसमें सवाल में दिया हुआ है कि भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो अगर मान लो इन दोनों को हम बारी बारी से चलाएंगे और पहले ए को खोलेंगे तो ये 10 लीटर खाली कर देगा, फिर बी को खोलेंगे तो ये 8 लीटर भर देगा, यानी कि ओवरऑल 2 लीटर खाली होगा, फिर से तीसरे घंटे में ए चलेगा तो 10 लीटर खाली करेगा और फिर अगले घंटे में बी 8 लीटर भर देगा, यानी कि आप सीधा सीधा मतलब ये समझ लो कि ओवरऑल 2 घंटे में काम क्या होगा, 2 घंटे में 2 लीटर खाली होगा, ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे कि 2 घंटे में 2 लीटर खाली होगा। अब 2 घंटे में अगर 2 लीटर खाली होगा तो ओवरऑल आप देखो यहाँ पर हम 56 बना सकते हैं इस 2 को, और अगर आप 56 बनाने जाओगे तो आपको पता चलेगा भाई कि 2 को 56 बनाने के लिए हमें गुना करना पड़ेगा कितना से, 28 से, ठीक है, लेकिन वैसे आप गलत हो जाओगे, ठीक है, गलत क्यों हो जाओगे मैं बता रहा हूँ, ऐसा मैंने पिछले बता भी रखा है पिछली वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर आपको ओवरऑल 56 के पास नहीं जाना है, ठीक है, आपको लास्ट तक 46 तक ही जाना है, क्योंकि अगर 46 तक आप चले गए 46 लीटर खाली हो चुका है, और अगला बार जैसे ही मान लो आप 10 लीटर अगर 46 लीटर खाली हो चुका 56 में से तो 10 लीटर और खाली करने के लिए बचेगा, और जैसे ही आगे ए काम करने के लिए आएगा तो ए 10 लीटर खाली कर देगा वो, और ए अगर 10 लीटर खाली कर देगा तो उसके बाद टंकी तो खाली हो गई तो बी को चलाने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी आगे, तो इसीलिए हम 56 नहीं बनाते हैं, ओवरऑल 56 से नीचे रहेंगे, और कितना नीचे रहेंगे, जितना ए का है एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी 10 यूनिट है तो हम 56 से 10 नीचे ही बनाएंगे, 56 से 10 नीचे का मतलब 46 इसको बनाते हैं, तो 46 बनाने के लिए 2 को आपको पता है 23 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी हम 23 से गुना करेंगे तो ये भी 46 घंटे बन जाएगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 46 घंटे में 46 लीटर खाली हो जाएगा।
अब बताओ 56 लीटर टोटल भरा हुआ था और इसमें से 46 लीटर खाली हो गया, तो और कितना लीटर खाली करने के लिए बचा? तो आप बोलेंगे 10 लीटर रह गया और खाली करने के लिए। और जैसे ही आगे अब ए काम करने के लिए आएगा तो ए एक ही दिन में या एक ही घंटे में ये 10 लीटर खाली कर देगा, यानी कि और 1 घंटे लगेंगे एक्स्ट्रा। तो 46 लीटर पहले लगे थे और ये 1 घंटे और लगा, इसका मतलब टोटल ओवरऑल 47 घंटे लग गए। ठीक है, आसान था, आप एक बार और समझो, मैं लास्ट टाइम वापस समझाता हूँ। देखो ए है, बी है, ए 5.6 में खाली कर सकता था और बी 7 में खाली कर भर सकता था, यानी कि ये 8 आया था, ये 10 आया था खाली करने के लिए, और टोटल हमें कितना खाली करना था? 56 लीटर पानी खाली करना था। ठीक है, एक मिनट, टोटल 56 लीटर का पानी खाली करना था। और इसमें से ये भी था कि ये दोनों मिल करके एक एक घंटे काम करेंगे, तो 2 घंटे में ये 2 ही लीटर खाली कर पा रहा था ए ओवरऑल। ठीक है, ये माइनस में बन जाएगा, आप चाहो तो माइनस लगा भी सकते हो। अब देखो 2 घंटे में ये 2 लीटर खाली करता है, इसका मतलब 1 घंटे में ये 1 लीटर ही खाली करेगा। और मैंने बोला था कि ए 10 लीटर अगर है, ये 10 लीटर खाली करता है, तो 56 से 10 नीचे ही आप बनाओ, 56 से 10 कम 46 होगा, यानी कि 46 लीटर खाली करने में कितना समय लग जाएगा? तो 1 लीटर खाली करने में 1 घंटा लगता है, तो 46 लीटर खाली करने में कितना लग जाएगा दोस्त? 46 घंटे, यानी कि 46 घंटे तो 46 लीटर खाली करने में लग गया। बाकी और 10 लीटर बाकी रह गया खाली करने के लिए, क्योंकि 56 लीटर टोटल खाली करना था। और ये 10 लीटर खाली करने के लिए जैसे ही ये अब वापस आएगा, तो ये तो 1 ही घंटे में 10 लीटर खाली कर देगा ना, क्योंकि वो हर 1 घंटे 10 लीटर खाली कर देता है। तो ये 1 घंटा और लगाएगा खाली करने में, यानी कि 46 घंटा पहले से और 1 घंटा और, यानी कि 47 घंटा। इजी था दोस्त, आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में यहाँ पर आपको दिया है कि एक छात्रावास में 60 पुरुष के लिए 35 दिन के रुकने की व्यवस्था थी, 10 दिन बाद 15 पुरुष और आ जाते हैं, तो आपको बताना है कि उसी दर से अगर ये उपभोग करते हैं तो और कितने दिन जा सकती है ये। देखो 60 पुरुष के लिए कितने दिन की थी भाई? तो आप बोलेंगे 35 दिन की थी, 35 दिन की थी, लेकिन 10 दिन तो ये लोग खा लिए, 10 दिन खा लिए, तो और 25 दिन का राशन बचा हुआ है, और यही राशन चलाना है। 15 पुरुष और आ जाते हैं, 60 में 15 और आ जाएंगे तो 75 पुरुष बन जाएंगे, तो कितने दिन लगेगा? तो आप 25 दिन या 75 कटा दोगे और 3 से 20 दिन या 60, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? 20 दिन और चलेगा। ठीक है, इजी सवाल था, आगे बढ़ जाते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए आगे सवाल है यहाँ पर कि 3 टंकियाँ हैं जिनमें से पहले 2 10.8 और 21.6 घंटे में खाली टंकी को भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 18 घंटे में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है और तीनों को एक साथ खोला जाता है तो कितने समय में भर जाएगा? ऐसे सवाल मैंने आपको ऊपर भी बता रखा है। देखो ए बी सी मैंने ले लिया, ये 10.8 में भर सकता है, ये 21.6 में, और सी जो है वो 18 घंटे में खाली कर सकता है। तो सबको हम क्या करते हैं, सबको क्या बना लें बताओ? 216 बना सकते हैं ना, ये 216 है, सबको 216 बना लेते हैं। देखो इसको अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 8 × 16 = 10 × 20, ये 21.6 बन जाएगा, तो इसको 1 से ही गुना करते हैं। और इसको कितना से गुना करना पड़ेगा 216 बनाने के लिए बताइए? 216 में 18 से डिवाइड ही कर देते हैं, तो ये 12 बार में शायद जाएगा, 12 बार में ही जाएगा, यानी कि ओवरऑल इसके नीचे 18 के नीचे कितना आ जाएगा दोस्त? तो आप बोलोगे यहाँ पर आ जाएगा 12, और एक्चुअली में ये पॉइंट में है, तो आप पॉइंट लगा लीजिए, यहाँ पर 1.2 लगेगा, और ये खाली करने वाला है तो हम माइनस भी लगा सकते हैं। आप देखो आप चाहो तो पॉइंट को हटा भी सकते हो इसमें से, ठीक है, पॉइंट हटाओगे लेकिन बेकार में उतना काम करोगे, उससे अच्छा अगर आप पॉइंट में थोड़ा गुना भाग करने में तेज हो तो आपको और समय कम लगेगा। ठीक है, तो आप अपने आप को ही फास्ट कर लो, ज़रूरत नहीं है पॉइंट वाइंट हटा के और टाइम लगाने की। पॉइंट हटाओगे तो थोड़ा आपके लिए गुना भाग आसान होगा लेकिन टाइम लग जाएगा और, ठीक है, तो उससे अच्छा है कि अपने आप में टैलेंट लाओ और अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करो आप। ऐसा नहीं कि आप सवाल को आसान बनाने के लिए 2-4 पेज और लगा दो और 2-3 मिनट और लगा दो, ऐसा नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, देखो तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखो टोटल वर्क कितना है अपने पास, तो आप गुना करोगे, किसी को भी ये एक से गुना करना आसान लगा मुझे, तो मैं बी वाले के सामने गुना कर रहा हूँ। टोटल वर्क है अपने पास 21.6, और काम तीनों से कराना है, तो तीनों से कराना है तो हम इन दोनों को तो जोड़ेंगे, 2 और 1 3, और इसको घटाएंगे क्योंकि ये खाली करने वाला है, तो 3 में से आप 1.2 को घटाइएगा, तो आप 30 में से ही 12 घटा लो तो 18 आएगा। एक्चुअली में पॉइंट भी यहाँ पर आएगा, तो ये पॉइंट कट जाएगा और ये 18 से 12 बार में ही कटेगा, तो 12 आएगा। देखो 18 12 यहाँ पर लिखा है, तो यहीं से पता चल गया 12 बार में कटेगा और 12 आंसर है। आसान सवाल है, ऐसा पहले कराया हुआ है, इसीलिए मैं दोबारा इसमें कुछ दोबारा 2-3 बार बोलना नहीं चाहता हूँ। जो सवाल मुझे लगेगा कि नया है और अच्छा सवाल है, उसे मैं खुद 2-3 बार समझा रहा हूँ। ठीक है, ये आप भी देखे होंगे अभी ऊपर मैंने कई सवाल को कितना बार समझाया, केवल आपके समझने के लिए। देखिए आगे सवाल में है कि ए बी सी 2 दिन में काम को ख़त्म कर सकते हैं, ए और बी द्वारा काम को 2.4 दिन में ख़त्म किया जा सकता है, बी सी उस काम को 4 दिनों का समय लगाते हैं, बी अकेले कितना समय लगाएगा? तो देखो ए बी सी तीनों अगर काम करेंगे दोस्त तो 2 दिन में कर लेंगे,
ए बी काम करेंगे तो 2.4 दिन में कर लेंगे, और बी सी काम करेंगे तो 4 दिन में ख़त्म कर लेंगे, और आपको बताना है बी कितना दिन लगाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहाँ पर बी सी की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे लगता है कि, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है आपको, टोटल वर्क निकालना है, तो आप इन्हीं को बराबर कर लो, बी सी से लेना देना बाद में करेंगे। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि यहाँ पर 1.2 ले लेते हैं, तो ये 24 बन जाएगा, और यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये टोटल वर्क कितना बन गया दोस्त, टोटल वर्क बन गया अपना 2.4। अब ये कराना किससे है आपको, बी से कराना है। तो देखो अगर अच्छा बी सी का भी नहीं, बी से कराना है, ए बी बी सी ये दोनों आ गए, तो फिर बी से कराने के लिए दोस्तों बी सी को भी निकालना पड़ेगा हमें, कोई दूसरा चारा नहीं है। तो देखो बी सी को भी हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर 6 आएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, लेकिन ये 0.6 बनेगा ना, अब पॉइंट में आने लगा तो पॉइंट में ही लिख देते हैं 0.6। देखो हम पॉइंट हटा भी सकते हैं दोस्त, लेकिन मैंने अभी बताया कि पॉइंट हटाने में आपको जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में आप सवाल को ख़त्म कर लोगे, इसीलिए आप खुद की क्षमता को बढ़ाओ, न कि पॉइंट हटाने में और सवाल को ईजी करने में लग जाओ। तो देखो यहाँ पर 2.4 टोटल वर्क था, और ये काम कराना था हमें बी से, और बी का हमें बताना है। तो बी को हम कैसे निकाल सकते हैं बताओ, बी को निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप बी सी में से सी को घटा दो तो भी निकल जाएगा, या ए बी सी में से ए बी को घटाएंगे तो सी निकलेगा, और सी को वापस हम बी सी में से घटाएंगे। देखो वही बात है, आपको जब बी निकालना है तो बी निकालने के लिए आपको यही दो तरीका है कि या तो इसमें से ए को घटा दो। देखो क्या क्या तरीका है, मैं आपको सारे तरीके बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है बी को निकालने के लिए हमारे पास। या तो इसमें से हम किसको घटा दें, ए और सी को घटा दें तो हमारे पास बी बच जाएगा, या इसमें से ए को घटा दें तो बी बच जाएगा, और इसमें से सी को घटा दें तो भी बच जाएगा, ठीक है। और हमारे पास सी को निकालना आसान है, इसीलिए हम सी निकाल के घटाएंगे। देखो हम शुरू वाले में से 1.2 में से ये 1 घटा रहे हैं, इसका मतलब है ऊपर आप देखो ए बी सी में से हम ए बी को घटा रहे हैं, तो अगर ए बी सी में से ए बी को घटाएंगे तो हमारे पास सी बच जाएगा, और कितना बचेगा देखो 1.2 में से 1 जाएगा तो 0.2 बच जाएगा। और अगर सी का 0.2 है तो आप बताओ कि अब बी सी में से मैं इस सी को घटा दूंगा, यानी कि इसमें से सी वाला घटा दूंगा तो हमारा बी वाला बच जाएगा। तो 0.6 में से अगर ये सी वाला 0.2 घटा दोगे तो इसका कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, यानी कि बी की एफिशिएंसी जो है वो 0.4 है, और बी का वैल्यू बताना है तो उसकी एफिशिएंसी से हम डिवाइड कर देंगे तो ये 4×6=24 कट जाएगा, यानी कि 6 दिन या फिर 6 घंटे जो भी है वो आंसर होगा अपना। इजी सवाल था, आप दोबारा देखिए अगर एक बार में नहीं आया आपको तो। देखिए अगले सवाल में है कि इंद्र और चंद्र अकेले अकेले काम करने में 20 और 80 दिन लगाते हैं। इंद्र काम शुरू करता है लेकिन 3 दिन काम करता है और 5 दिनों के लिए छुट्टी ले लेता है, जिसके दौरान चंद्र काम जारी रखता है, कार्य पूरा होने तक यही क्रम जारी रहता है, तो कुल कितने दिन लगेंगे। इस सवाल को आप जरूर ट्राई कीजिए दोस्त, बहुत अच्छा सवाल है, मैंने बनाया इसको तो मुझे लगा कि आपको ट्राई करने के लिए ज़रूर बोलना चाहिए वीडियो में एक बार, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आपने पहले से PDF लेकर के और नहीं ट्राई किया हुआ है तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके और इस सवाल को ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी अच्छा सवाल है दोस्त। देखें भाई क्या है सवाल में, यहाँ पर एक तो इंद्र है और दूसरा चंद्र है। अब ये कह रहा है कि इंद्र 20 दिन लगाता है और चंद्र 80 दिन लगाता है काम ख़त्म करने में, ठीक है। यहाँ से हम एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं, 20×80 और 80×80, यानी कि टोटल काम हमें पता चल गया कितना करना है। टोटल काम करना है, एक मिनट यार, टोटल काम है हमारे पास 80। आप किसी भी दो को गुना कर सकते हैं, 20×80 या 80×80। अब ये कह रहा है इसमें, यहाँ पर मेन बात है लैंग्वेज, आगे जो सवाल में लैंग्वेज लिखा है इसी को समझना काफ़ी ज़रूरी है कि इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इसका मतलब है कि इंद्र शुरू करता है काम, यानी कि शुरू में उसके साथ चंद्र नहीं काम कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इंद्र अकेले काम शुरू करता है और 3 दिन काम करता है और उसके बाद 5 दिन के लिए छुट्टी ले लेता है। इसका मतलब देखो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये मान लो हमें यहाँ से यहाँ तक टोटल काम ख़त्म करना है, या ऐसे नहीं सीधा सीधा ही लिखते हैं, इंद्र 3 डेज काम किया फिर अगले 5 दिन के लिए छुट्टी मार दिया। तो अगले 5 दिन कौन काम किया, इसके बदले में चंद्र काम किया, अगले 5 दिन तक चंद्र काम किया। फिर इंद्र आ गया वापस तो चंद्र छोड़ दिया, और इंद्र फिर से 3 दिन काम किया, फिर 5 दिन के लिए छुट्टी मारेगा तो फिर से चंद्र 5 दिन काम करेगा, फिर इंद्र आएगा 3 दिन करेगा फिर छुट्टी मार देगा, फिर चंद्र आएगा 5 दिन काम करेगा, ऐसा केस है यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे में आपसे बताना है कि अगर यही चलता रहा तो समय कितना लग जाएगा ख़त्म होने में। तो आप यहाँ से ये बात देखोगे कि हर एक बार इंद्र और चंद्र को अगर हम मिलाएंगे तो 5 और 3 8 दिन काम हो रहा है, ठीक है। और 8 डेज में काम कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि शुरू के 3 दिन में इंद्र काम करेगा 4, यानी कि 4×3=12, ठीक है। और प्लस में लास्ट के 5 दिन में चंद्र काम करेगा 1 के हिसाब से, 1 एफिशिएंसी है उसका, तो 5×5 ही काम करेगा, यानी कि आप बोलोगे कि 17 यूनिट का काम हो जाएगा हर एक 8 दिन में।
ये आप पहले बात समझ लो कि हर एक 8 दिन में काम कितना ख़त्म होगा दोस्त, 17 यूनिट का काम ख़त्म होगा। अगर आप ये समझ गए कि हर एक 8 दिन में 17 यूनिट का काम ख़त्म होगा, तो मैं इन सबको हटा के, और चलो रहने ही दो, रहने भी देंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। इधर लिख लेते हैं, आप यहाँ पर समझ लो, बीच में वैसे जगह काफ़ी कम है और लॉकडाउन में तो वैसे ही प्रॉब्लम चल रहा है, फिर भी जितना हो सकता है उतना मैं कर ही रहा हूँ आपके लिए, फिर भी आप लोग लाइक और कमेंट तो नहीं करते हो, कोई नहीं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है दोस्त, कि मैंने ये आपको बता दिया कि 8 दिन में काम कितना ख़त्म हो जा रहा है, 17 यूनिट, और हमें टोटल काम कितना कराना है, 80 यूनिट का काम कराना है। तो मैंने आपको बोला था कि 17 को डायरेक्ट आप 80 के पास मत ले जाइए। यहाँ पर आप देख लो कि लास्ट में इंद्र कितना काम ख़त्म कर सकता है, 4 काम ख़त्म कर सकता है, लेकिन आपको भी पता है कि वो आएगा तो शुरू में 3 दिन काम करेगा, यानी कि 4 दिन 12 वो काम ख़त्म कर सकता है, एक बार वो आया तो 12 काम ख़त्म करेगा, यानी कि 80 से 12 पीछे ही हम रहते हैं। 80 से आप 12 पीछे आइएगा तो आपके अपने पास कितना बच जाएगा, तो आप बोलेंगे दोस्त कि बन जाएगा हमारे पास 68, यानी कि हम 68 बनाते हैं। इसको 68 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से गुना करते हैं, और 12 क्यों पीछे आ रहे हैं दोस्त, इसके लिए मैंने पीछे बता रखा है, तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो लापरवाह तरीके से देखेंगे तो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा, ध्यान से देखिए। मैंने पीछे किसी सवाल में ऐसा बात बता रखा है कि हम क्यों 80 तक गुना करके नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं 80 से 12 कम बना रहा हूँ, यानी कि 68 बना रहा हूँ। 17 को 68 बनाने के लिए मुझे 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 68 यूनिट का काम ख़त्म हो जाएगा, और इधर 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32 दिन, यानी कि 32 दिन में 68 यूनिट का काम ख़त्म हो गया। आप बताओ 80 में से 68 काम ख़त्म हो गया तो और 12 काम रह गया, और ये 12 काम आपको भी पता है कि अगले 3 दिन में आकर के इंद्रजीत ख़त्म कर देगा। इंद्रजीत या इंद्र जो भी है वो आगे आएगा तो ये 3 दिन लगाएगा, और 3 दिन में ये 12 काम ख़त्म कर देगा, क्योंकि वो 4 के हिसाब से काम करता है, तो 4 के हिसाब से 3 दिन लगेगा। या ये बात हम पहले भी इधर लिख चुके थे कि हर एक 3 दिन में वो 12 काम कर रहा है, और अगले 5 दिन में चंद्र 5 काम कर रहा था, ठीक है। इसका मतलब कि टोटल यहाँ पर 32 दिन लगा शुरू में, और लास्ट में 3 दिन और काम कर दिया इंद्र ने आकर के, तो 32 और 3 टोटल कितना दिन लग गया दोस्त, 35 दिन, और 35 सवाल का सही जवाब है। तो सवाल काफ़ी अच्छे लेवल का है, भले ही कहने के लिए ग्रुप डी है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल भी फेक सवाल नहीं है, आपको मैं PDF प्रोवाइड भी करा सकता हूँ, या आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च करके, या क्यू मैथ पर जाके, आप क्यू मैथ एक वेबसाइट है वहाँ पर जाके और ग्रुप डी के सारे क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं 2018 में जितने भी पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, यहाँ पे देखिए अगले सवाल में अपने पास क्या है कि इनलेट पाइप है एक पी, और वो 7 घंटे में भर सकता है, यानी कि पी कितने घंटे में भर देगा 7, और आउटलेट पाइप है एक क्यू, वो कितने घंटे में भर सकता है 6 घंटे में वो खाली कर सकता है। चलो माइनस में लगा लेते हैं इसको, क्योंकि ये खाली करने वाला है। अब कह रहा है कि पी को पहले 3 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद क्यू को भी खोल दिया जाता है, तो टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। इजी सवाल है, देखो पहले तो एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो यहाँ पर, तो आप बोलेंगे दोस्त कि ये आ जाएगा 7×42, इसको नीचे 6 ले लेते हैं एक मिनट, और ये हो जाएगा 7×42, ये माइनस में क्योंकि ये खाली करने वाला है, यानी कि ओवरऑल टोटल हम पानी भरेंगे उसमें तो 42 लीटर पानी भर सकते हैं। अभी सवाल में ये कह रहा है अपने पास कि पी को शुरू में 3 घंटे के लिए खोल रहे हैं, अब बताओ पी 6 के हिसाब से अगर 3 घंटे पी को चलाइएगा तो ये कितना भर देगा, 6×3 = 18 लीटर पानी भर देगा उसमें, यानी कि 18 लीटर पानी भरा हुआ है। अब इसके बाद कह रहा है कि क्यू को भी खोल दिया गया, यानी कि अब पी और क्यू एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा खाली होने में। अब यहाँ से आप एक बात समझना कि ये 42 लीटर इतना पानी भरा जा सकता था उसमें, 42 लीटर पानी भरा नहीं है दोस्त, काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक है। और ये TCS की आदत है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, आप बिल्कुल भी ना सोचें कि ग्रुप डी है तो ग्रुप डी जैसा पढ़ाई करना चाहिए, आप अच्छे लेवल की तैयारी करके जाइए। अगर आपको एक जॉब चाहिए तो आप जॉब सिक्योर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे लेवल की तैयारी करनी चाहिए, और आपको कम से कम CGL CHSL CPU इन सब में जितने भी सवाल आए हुए हैं सबको आपको पहले से बना कर जाना पड़ेगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरह के सवाल आए हुए हैं, और अगर आपका पेपर ऐसा टफ होता है, ऐसे टफ टफ सवाल आप में आते हैं और आप बना पाते हैं, तो डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर बढ़ेगा। आपने सुना होगा कि कोई ऐसे लड़के थे ग्रुप डी में अभी पिछले साल में, 2018 वाले की मैं बात कर रहा हूँ, कि किसी का जैसे 54 नंबर या 55 नंबर आया था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद उसका 84-85 नंबर तक चला गया था और वो फाइनली सिलेक्ट भी हो गए, ठीक है। तो ऐसा होता है कि अगर आपका पेपर टफ रहता है और आप अच्छा स्कोर किए हैं, कम गलती किए हैं, तो आपका ज़्यादा नंबर बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें दोस्त, अपने पास
ये 42 लीटर पानी आ सकता है टंकी में, लेकिन 42 लीटर भरा नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर भरा जाए तो 42 लीटर पानी भरेगा, लेकिन आपको भी पता है कि शुरू में 3 घंटे तक पी को पहले चलाया गया है, तो वो 6 के हिसाब से 3 घंटे में 18 लीटर भर दिया गया है। अब अगर ये दोनों काम करेंगे और आपसे खाली करवाना है, पूछ रहा है कि कितने घंटे में टैंक खाली होगा, तो खाली करने के लिए यही 18 लीटर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि पानी तो 18 लीटर ही भरा है। भर सकता था उसमें 42 लीटर, लेकिन भरा गया है 18 लीटर, क्योंकि पी 3 ही घंटे काम किया है तो 18 लीटर भरा है और यही 18 लीटर खाली कराना है आपसे। अब बताओ कि अगर पी क्यू दोनों काम करने लगे तो हर एक घंटे में क्या होगा? हर एक घंटे में आप बोलेंगे कि पी 6 घंटे 6 लीटर भरेगा और क्यू 7 लीटर खाली कर देगा। बताओ 6 लीटर भरा और 7 लीटर खाली हुआ, इसका मतलब हुआ कि ओवरऑल 1 लीटर खाली हो जाएगा हर एक घंटे में। और अगर हर एक घंटे में यानी कि 1 घंटे में 1 लीटर खाली होता है, तो आपको 18 लीटर खाली करवाना है। 18 लीटर खाली करने में कितना समय लग जाएगा दोस्त? 18 घंटे, और यही 18 घंटे इस सवाल का सही जवाब है। तो आशा है कि आपको बात समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो आप ज़रूर से लाइक करें और कमेंट भी करें अपना एक सुंदर सा, ठीक है? कमेंट करने की कोशिश तो करते नहीं हो तुम लोग, बस देख लेते हो, और पता नहीं देखने के बाद भी प्रैक्टिस करते हो कि नहीं दोस्त। देखने के बाद ज़रूर से हर एक 4-5 दिन पे प्रैक्टिस किया करो, और मैं तो चाहूँगा कि आप ग्रुप डी वाला पेपर डाउनलोड कर लो, और इससे पहले मेरे बनाने से पहले आप खुद से ट्राई किया करो सवालों को। और अगर पेपर नहीं डाउनलोड कर सकते हैं तो आप ज़रूर से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ पर ऑलरेडी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, और प्रोवाइड करा भी रखा है मैंने पहले से, ठीक है? तो आप पहले से प्रैक्टिस करके रेडी हो सकते हैं, ठीक है? देखें यहाँ पर अगला सवाल क्या है, इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ क्या है। सवाल है कि इन अ कंप्यूटर गेम अ बिल्डर कैन बिल्ड अ वॉल इन 5 आवर्स। आपको नहीं भी दिख रहा है सवाल तो आप ज़रूर से इसको क्वालिटी अच्छा कर लीजिए, फिर भी नहीं दिख रहा है तो मैं बोल ही रहा हूँ आपको, सवाल बोल के बता रहा हूँ कि एक बिल्डर है वो 5 घंटे में एक दीवार को बना सकता है, ठीक है, कंप्यूटर गेम में किसी में। और आगे कह रहा है कि वाइल अ डिस्ट्रॉयर कैन डिमोलिश सच अ वॉल कम्प्लीटली इन 7 आवर्स। यानी कि एक कंप्यूटर गेम में 2 लोग हैं, एक बिल्डर है यानी कि बनाने वाला है, एक डिस्ट्रॉयर है यानी कि एक उसको तोड़ने वाला है, ठीक है? और दीवार बनाने वाला 5 घंटे में बना सकता है, तोड़ने वाला 7 घंटे में तोड़ सकता है। अब ये कह रहा है कि बोथ बिल्डर एंड डिस्ट्रॉयर वेयर इनिशियली सेट टू वर्क टुगेदर ऑन लेवल ग्राउंड। यानी कि ग्राउंड लेवल से दोनों ने काम करना शुरू किया, यानी कि बिल्डर बनाना शुरू कर दिया और डिस्ट्रॉयर उसको तोड़ना भी शुरू कर दिया साथ में ही। अब ये कह रहा है लेकिन 3.5 घंटे बाद क्या होता है, डिस्ट्रॉयर यानी कि जो तोड़ने वाला था वो छोड़ देता है काम को, भाग जाता है छोड़ करके, और बिल्डर अकेले काम करता है, तो कितने समय में वो वॉल बन जाएगी, वो दीवार कितने समय में बन जाएगी? तो आप एक तो इसको ऐसे अगर सोच लें पाइप टंकी की तरह से, तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप समझ लो कि जो बिल्डर है बनाने वाला है वो समझ लो कि इनलेट पाइप है यानी कि वो टंकी भरने वाला पाइप है, और जो डिस्ट्रॉयर था जो तोड़ने वाला था उसको हम मान लेते हैं कि वो टंकी खाली करने वाला पाइप है, ठीक है? तो आप ये समझ लो कि भरने वाला 5 घंटे में भर सकता है, और खाली करने वाला जो दूसरा है वो 7 घंटे में खाली कर सकता है। अब ऐसे आप देखोगे कि ओवरऑल यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यानी कि टोटल हमें 35 लीटर पानी भरना है। या आप दीवार समझोगे तो आप समझ लो कि 35 मीटर हाइट का दीवार बनाना है, या जो भी हो, या वर्क ही समझ लो 35 यूनिट काम करना है अपने पास, किसी भी तरह से आप सोच सकते हो। अब ये खाली करने वाला है, ये शुरू में कह रहा है कि दोनों ने 3.5 घंटे तक साथ में काम किया, दोनों ने शुरू में क्या किया दोस्त, 3.5 घंटे तक काम किया। अब इसमें ये कह रहा है कि 3.5 घंटे तक अगर काम कर दिया और उसके बाद डिस्ट्रॉयर छोड़ देता है, यानी कि खाली करने वाले पाइप को हटा दिया जाता है, और केवल कौन काम करता है दोस्त, उसके बाद केवल काम करता है, क्या नाम है इसका, भरने वाला केवल, या फिर आप बिल्डर समझ सकते हैं, केवल बिल्डर काम करता है, तो टाइम कितना लगने वाला है? तो इजी सवाल है, देखिए क्या करते हैं यहाँ पर। आप एक काम कर सकते हैं कि ये 3.5 घंटे में जो बिल्ड किया ख़राब किया है वो आप घटा सकते हैं इसमें 3.5 घंटे का, और फिर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि 3.5 घंटे ये दोनों काम किए हुए हैं, अगर ये दोनों 3.5 घंटे काम किए हैं तो 3.5 घंटे में ये करेंगे क्या? तो आप बोलेंगे कि हर एक घंटे में ये 7 लीटर भरेगा और ये 5 लीटर खाली करेगा, यानी कि हर एक घंटे में 1 घंटे में ये लोग 2 लीटर पानी भर सकते हैं, और 3.5 घंटे साथ में किए हैं तो 3.5 घंटे में आप बोलेंगे 35 × 70 यानी कि 7 लीटर पानी भर चुका है। 35 में 7 लीटर भर चुका तो और कितना भरना रह गया? तो आप बोलेंगे 8 × 7 = 15 यानी कि 28 लीटर और भरना रह गया है, और अब खाली करने वाला को बंद कर दिया गया है, डिस्ट्रॉयर भाग चुका है, तो अब ये 7 के हिसाब से इसको भरेगा, तो 7 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 7 × 28 यानी कि ओवरऑल 4 घंटे और लगेंगे इसको, तो 4 घंटे और पहले से 3.5 घंटे ये लोग साथ काम किए हैं, तो 4 और 3.5 मिलेगा तो 7.5 आ जाएगा, ठीक है? यानी कि ओवरऑल कितना काम करना पड़ेगा दोस्त, 7.5 आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। इसको करने का और भी तरीका है, जैसे आप 7.5 नहीं लाते, आप पहले ही जोड़ लेते तो भी आपका 7.5 आ जाता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखें दोस्त ये है अपने पास अगला सवाल,
क्या है इसमें। अच्छा ये सवाल तो हम लोग कर चुके हैं ना कि 3 घंटे में वो खाली करता है, 18 आंसर आया था, ये सवाल कर चुके हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या सवाल है। आगे ये सवाल है अपने पास, देखो कि ए और बी एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी सी 35.5 दिन में कर सकते हैं और सी ए 30 दिन में कर सकते हैं, ए बी सी प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग कितने दिन में कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं। अच्छा आप देखो, अगर इस ऑप्शन में आप ध्यान से देखोगे तो ए के हर एक ऑप्शन में वैल्यू अलग है, बी का भी हर एक, बी का तो सेम है दो में, और सी में भी सारे वैल्यू अलग अलग हैं। तो हम केवल ए या सी की बात करते हैं, किसी एक की निकाल लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन से मैच करा लेंगे। तो देखो पहले तो आप ए बी की बात करोगे तो ए बी कितना समय लेता है, तो आप बोलेंगे कि 50 घंटे जी, और बी सी 37.5 दिन या घंटे जो भी हो, और फिर सी ए कितना टाइम लगाते हैं 30। आप देखो यहाँ से बराबर करने के लिए आप किसी को भी गुना करा सकते हैं, या आप 37.5 को आप समझ सकते हैं, 37.5 का मतलब ये कितना है दोस्त, 75/2 है, ये 75/2 है। तो आप चाहें तो सबको 750 बना सकते हैं या डायरेक्ट 75 ही बना सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बना लीजिए आप जो आपको ईजी लग रहा है। अगर आपको 75 बनाना है तो 75 भी बना सकते हैं, जैसे इसको हम गुना कर सकते हैं, 15, 25, 75 750 बन जाएगा, और इसको हम किस से गुना कर लें, 20 से गुना कर लें तो ये भी 750 बन जाएगा, और इसको 750 बनाने के लिए हम 25 से गुना कर लेंगे तो 750 बन जाएगा, ठीक है। वापस आप तो कटा भी सकते हैं ना, आप इसको सबको कटा सकते हैं, 5 से कट जा रहा है, 5 3 15, 5 4 20 और 5 5 25, यानी कि ओवरऑल 3 5 15 150 हम बना सकते थे दोस्त, 75 2 150 बिल्कुल। तो टोटल काम कितना हो गया हमारे पास, 150 हो गया, और ये काम कराना किससे है, हमें किसी एक का निकालना है, हम ए को निकाल लेते हैं। तो ए को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी में से अगर हम बी सी को घटा देंगे तो ए का निकल जाएगा। तो ए बी सी का पहले लिखो टोटल कितना है दोस्त, ए बी सी का देखो, हम ए बी सी इधर लिख लेते हैं, ए बी सी मतलब तीनों जोड़ के आधा करना है। आधा क्यों करना है, क्योंकि ये दो दो बार आ जाएंगे तीनों जोड़ने पर, ऐसा मैंने पीछे बता रखा है। तो देखो 3 और 4 7 और 5 12 है, 12 का आधा करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि 6 से आप डिवाइड कर दो इसको, 6 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा। अच्छा एक मिनट, 6 तो ए बी सी का आ गया ना, हमें केवल ए का निकालना है ताकि ऑप्शन मैच करा सकें। तो ए बी सी में से आप बी सी को घटा दो तो ए का निकल जाएगा। देखो ए का, ए बी सी का 6 है, इसमें से बी सी यानी 4 घटा दोगे तो ए के लिए कितना आ जाएगा, 2 यूनिट, यानी कि इस 150 को 2 से आप डिवाइड करोगे तो 75, और ए का 75 आ गया, यानी कि ये 75 यूनिट वाला आंसर है जिसमें ए 75 है। बाकी को भी आप ऐसे ही 1 बाई 1, जैसे ए बी सी में से आप सी ए आप घटाते तो बी बच जाता, और ए बी सी में से ए बी घटाते तो अपने पास सी बच जाता, ऐसे करके हम निकाल सकते थे, ठीक है। तो ईजी सवाल था, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी। देखें आगे सवाल क्या है अपने पास, इसमें कह रहा है 2 इनलेट पाइप है, ए और बी एक हौद को 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं, एक साथ आरंभ करते हैं, ए को भरने से 5.5 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। तो ऐसा सवाल मैंने पीछे बता रखा है, फिर भी करके दिखा देता हूँ आपको। देखो ए 22 है और बी क्या है 33 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। अब बताओ इसको कितना बना सकते हैं दोस्त, 11 से कट जाएगा, यहाँ 3 कर लेते हैं, यहाँ 2, तो टोटल 66 बन रहा है, टोटल 66 घंटे का काम है, ठीक है, या 66 लीटर पानी भरना है। अब इसमें से ये कह रहा है कि ए को 5.5 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है, तो अगर टोटल काम खत्म होने से कुछ समय पहले किसी को बंद किया जाए, अगर वो भागता है तो उसका काम जो बच जाता है वो हम जोड़ लेते हैं, ऐसा मैंने बताया है। पहली वीडियो यानी कि पार्ट 1 का पहला ही क्वेश्चन ऐसा है, ऐसा मैंने बताया था, और इसी वीडियो में भी ऐसा कई सारा क्वेश्चन आ चुका है। तो हम ए का, ए देखो ए बंद किया जाता है 5.5 घंटे पहले, तो ए का 5.5 घंटे का काम हम इसमें जोड़ लेंगे। ए 1 घंटे में अगर 3 यूनिट काम करता है तो 5.5 घंटे में ये 3 के हिसाब से कितना काम कर देगा, 16.5 काम कर लेगा। तो 16.5 और इसमें हम जोड़ लेते हैं और टोटल काम ऐसे कितना बन जाएगा आप बताओ, तो ये बन जाएगा 0.5 और 6 6 12 और 6 और 1 7 और 1 8, 82.5 बन रहा है क्या। चलो मान के चलते हैं कि 82.5 ही होगा, इसी को मान लेते हैं क्या। अब बताओ कि अगर टोटल 82.5 ही काम कराना है तो ये काम अब हम किससे कराएंगे, दोनों से कराएंगे, तो आपको 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करोगे तो 16 5 80 और 5 5 25, यानी कि 16.5 आ जा रहा है, और ये इसका उत्तर है। ऐसा मैंने कई सारा सवाल करा रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, समझ पाएंगे इसको। देखो आगे क्या सवाल है अपने पास, ईजी सवाल लग रहा है ये तो। देखें दोस्त इसमें क्या है कि एक पाइप ए है जो खाली हौद को यानी कि खाली टंकी को 6.8 घंटे में भर सकता है, बी उसे 10.2 घंटे में भर सकता है, बी पाइप को 1.7 घंटे के लिए चालू किया जाता है, उसके बाद ए को भी चालू कर दिया जाता है, तो कितना समय लगेगा। बिल्कुल ईजी ही है, भले पॉइंट में कुछ है तो आपको गुना भाग थोड़ा बड़ा लग सकता है, लिखते हैं। चलो देखो ए का काम क्या है, 6.8 आवर्स में भर सकता है और बी 10.2 घंटे में भर सकता है। नीचे देखो क्या ला लें, तो हम घटा कटा सकते हैं इनको, देखो ये 3 से कट जाएगा क्या,
तीन से नहीं कटेगा तो चार से तो कट जाएगा, ये चार से 17 चौका 68 और 17 छक, यानी कि ये 2 3 और ये 3 2, यानी कि इनका रेशियो जो है 2 3 का है, तो ये उल्टा आता है, यानी कि यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। या आप ऐसे नहीं करेंगे तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है आपको, आप वैसे कर लो इसको, आप 10.2 को इधर लिख दो और 6.2 को इधर उल्टा लिख लो और कटा लो इनको, तो ये 17 से कट जाएगा 6 बार में, ये 68 था एक्चुअली में, 17 से 6 बार में और ये 17 से 4 बार में, और वापस एक बार कटाओगे तो ये 3 2 बन जाएगा। ठीक है, अब 3 2 बन गया तो टोटल काम हम इसको गुना करेंगे तो 10.2 इसको गुना करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 2 4 10 2 20, यानी कि 20.4 ये टोटल काम है अपने पास करने के लिए। इसमें से ये कह रहा है कि 20.4 में जो केवल बी वाला है उसको शुरू में 1.7 घंटे के लिए खोला गया है। अब बताओ वो दो यूनिट के हिसाब से 1.7 घंटे में कितना भर देगा, तो आप बोलोगे 17 2 34 होता है, यानी कि 3.4 वो काम कर देगा, 3.4 यूनिट वो काम कर दिया। देखो 20.4 करना था, इसमें से 3.4 यूनिट वो काम कर दिया, तो और कितना काम करने के लिए रह गया, 17 यूनिट काम बच गया। और ये 17 यूनिट काम अब कौन करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि अब ए को भी बाद में चालू कर दिया गया। ठीक है, तो ये 17 यूनिट काम अगर दोनों करेंगे तो 3 और 2 मिलाकर 5 हो गया, तो 17 को आप 5 से डिवाइड कर लो, तो 17 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 5 3 15 और 5 3 15 और 2 5 6 20 34 ही आ जाएगा क्या, वापस 34 ही बन जा रहा है ना, तो चलो कोई बात नहीं है, 34 आ गया अपने पास, यानी कि 3.4 घंटे और लगेंगे। अब ये समझ लो कि 3.4 घंटे और लगेंगे और 1.7 घंटे पहले बी ने काम किया है, तो टोटल कितना हो गया, 5.1 आवर्स टोटल हो गया। और आपको मिनट में भी चेंज करना है तो मिनट में मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। देखो 5 घंटे को आप अलग रख लो और प्लस 0.1 को 60 से गुना कर लो इसको मिनट में लाने के लिए, तो आपको भी पता है ये 5 घंटे तो रहेंगे ही, और प्लस में ये 0.1 को 60 से गुना करोगे तो 6 मिनट बच जाएगा, यानी कि 5 घंटे और 6 मिनट, ऑप्शन 4 सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्त और अगले सवाल पे आते हैं, ये लास्ट सवाल है आज का। ठीक है, देख लो इजी भी है। जानकी और मानसी दो लोग हैं और अलग अलग ये 45 और 72 दिनों में एक दीवार को पेंट कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 33 दिन पहले जानकी छोड़कर चली गई, तो पूरा काम होने में कितना। अभी आपको पीछे मैंने एक सवाल ऐसा कराया हुआ था कि अगर कुछ दिन पहले कोई छोड़कर भागता है तो उसका काम आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं फिलहाल यहाँ पर। देखो जानकी और मानकी या जो भी हो, जानकी 45 दिन में कर सकती है और मानकी या मानसी 72 दिन में। इनको ये 9 5 45 बनेगा, तो 5 यहाँ 9 8 72 8 यहाँ हम उल्टा लिखते हैं वैसे इसको हटा के, तो टोटल वर्क आपको पता है कि टोटल वर्क कितना हो गया। आप 72 को 5 से गुना कर लो, 5 2 10 और 7 5 35 और 1 36, 360 यूनिट का टोटल काम है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि 360 यूनिट में आपसे ये बोला गया है कि मानसी जो है वो 33, अच्छा जानकी 33 दिन पहले चली गई है। अगर जानकी 33 दिन पहले गई है तो जानकी का 33 दिन का काम इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो जानकी एक दिन में 8 काम करती है, तो 33 दिन में 33 गुना 8 करेगी, इसको गुना कर लो तो 8 3 24 और 8 3 24 और 2 26, यानी कि 264 यूनिट काम जानकी के लिए बच गया था, और जानकी भाग चुकी है तो इसका हम काम इसमें जोड़ेंगे 264 यूनिट, तो ये ओवरऑल बन जाएगा 4 का 4 6 6 12 3 2 5 और 1 6 6 24 बन जाएगा, और हम दोनों से डिवाइड कर देंगे, 8 5 13 हो गया, 13 से तो ये कटेगा नहीं फिर, जानकी और मांग की 13 से कट जाएगा, चलो डिवाइड करके देखते हैं, 13 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना में जाएगा भाई, 13 4 52 और 13 8 104 का, ठीक है, 48 बार में 48 आंसर आ रहा है, तो इस सवाल का आंसर 48 था। ठीक है, तो ये दोस्त अगला सवाल, लास्ट सवाल था अपना। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, और साथ ही साथ अगर अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।